हम आज पढ़ने जा रहे हैं टारगेट ऑल एलिमेंट बाय टैग नेम, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज। अच्छा, सपोज यू वांट टू गिव योर यूजर द ऑप्शन ऑफ डबलिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट। कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट को आप, अपने यूजर को आप ऑप्शन दे दें कि टेक्स्ट का साइज वो डबल कर सके, ठीक है। अच्छा, इन ऑल द पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट, जितने भी पैराग्राफ एग्जिस्ट करते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, उन सब पैराग्राफ में टेक्स्ट का साइज जो भी अभी मौजूद है जो साइज वो डबल हो जाए अगर मैं ये चाहता हूँ तो ये कैसे होगा। टू अकॉम्प्लिश दिस यू कुड गिव ईच पैराग्राफ एन आईडी, व्हेन द यूजर क्लिक्स द डबल टेक्स्ट साइज बटन। कह रहे हैं कि यूजर के पास एक बटन होगा कि डबल टेक्स्ट साइज करके, ठीक है, और आप क्या करेंगे, एक आईडी पकड़ेंगे उसकी पैराग्राफ की और उसके ज़रिए आप उसको डबल करवा देंगे। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ भी है, ये हम कई दफ़ा कर भी चुके हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी और स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, कोई भी स्टाइल, इसका पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं, जो स्टाइल है वो हम ऐसे करके चेंज करवा सकते हैं, सही है। कह रहे हैं कि देयर इज़ एन ईजियर वे टू अकॉम्प्लिश दिस, कह रहे हैं इसका एक आसान तरीका भी है। अच्छा, वो क्या है, ये नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस स्टेटमेंट फाइंड ऑल पैराग्राफ एंड असाइन देम टू अ वेरिएबल। कह रहे हैं ये जो अपने बात लिखी हुई है, ये जो बात लिखी हुई है ना, ये क्या करता है, ये तमाम उस एलिमेंट को गेट करता है जिसका नाम है पी। अब क्या है ये, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, सही है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लिखा हुआ है। यार पता नहीं क्यों इको से मैं डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ से आवाज़ आ रही है, अपना वॉल्यूम ज़रा सब लोग म्यूट करो जो यहाँ बैठे हुए हैं। वेबसाइट हाँ म्यूट कर दो यार, हेलो 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 हेलो, नहीं यार मुझे अभी भी अपनी आवाज़ वापस आ रही है, हेलो 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 हेलो, नहीं मुझे इस माइक में से आ रही है, वो स्पीकर का इशू नहीं है मेरे ख्याल में, पीछे से आ रही है, नहीं मुझे लग रहा है शायद क्लास आज खाली है ना तो इस वजह से इको हो रहा है। हेलो 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 हेलो, आज ये सीन हो रहा है। अच्छा, हेलो 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 हेलो, हमारे भाई भी आ गए, हमारे आए जी, वेलकम। अच्छा, फैन तो ऑन है, हाँ फैन ऑफ कर दो, ये लो फैन ऑफ हो गया। एसी तो फील करवा रहा है आज, स्टूडेंट्स क्योंकि कम है क्लास में तो एसी बहुत तेज ठंडक कर रहा है। चलो अच्छी बात है, यार इसका ना प्रोजेक्टर का बटन दबा दो ताकि यहाँ पे भी आ जाए। हाँ, ये इसमें ऑप्शन होता है वर्चुअल बैकग्राउंड कहलाता है। अच्छा भाई, तो इसने बोला कि भाई एक ना इजी तरीका है इसमें, अब वो इजी तरीका क्या है, वो इजी तरीका ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है, टैग नेम से भी आप एलिमेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप डॉक्यूमेंट जब आईडी के ज़रिए गेट करते हैं
तो उसमें आपको क्या मिलता है, एक एलिमेंट मिलता है, लेकिन जाहिर है क्योंकि आईडी एक होती है पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर, एक आईडी आप किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते, ठीक है, वो एरर होता है। अच्छा, लेकिन टैग नेम क्या होता है, टैग एक ही नाम से बहुत सारे होते हैं पेज के अंदर, तो जब आप टैग नेम से उठाते हैं या एलिमेंट का नाम बोल लो या टैग नेम बोल लो, एक ही बात है, पैराग्राफ या डिव या एच वन, तो वो क्या करता है, वो जितने भी एच वन है सब उठा के लेकर आ जाता है, और सब उठा के ला के कहाँ रख देता है, वो एक्चुअली रिटर्न करता है, तो हमने उसको वेरिएबल में यहाँ पे डाला हुआ है तो वेरिएबल में चले जाते हैं, सही है। अच्छा, तो वेरिएबल में ये चला गया। अच्छा, अब ये वेरिएबल में जो जाता है एक से ज़्यादा एलिमेंट, तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, असूलन एरे में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज जब हमें चाहिए होती तो एरे के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो एरे हो या तो ऑब्जेक्ट हो, लेकिन एरे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो इन्होंने एरे के अंदर ये दे दिया बना के। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने पास और हम कहते हैं कि भाई एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि 32 getting element, सही है, मैंने getting element इसका नाम रख दिया और इसके अंदर आके तमाम चीज़ें उड़ा दी मैंने, और अब मैं यहाँ पे नए सिरे से करने लगूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट बना देता हूँ एक तो, अच्छा कुछ मुझे हेडिंग्स भी चाहिए होंगी, मैंने एक H1 बना दिया, मैंने कहा कि मेन हेडिंग, सही है, उसके बाद एक पैराग्राफ बना दिया, तीन पैराग्राफ बना दिए मैंने फिलहाल, हर पैराग्राफ में मुझे कुछ टेक्स्ट भी चाहिए, तो मैं गूगल से जाके ना थोड़ा सा टेक्स्ट उठा के ले आता हूँ, किसी भी रैंडम वेबसाइट में गया मैं और एक पैराग्राफ मैंने यहाँ से उठा लिया और पहले में पेस्ट कर दिया, तो ये क्या किया मैंने, सही है, पहले में कर दिया, इसी का मैंने दूसरा पैराग्राफ उठाया और उसको मैंने दूसरे में पेस्ट कर दिया, और इसी का मैं एक आखिरी पैराग्राफ उठा लेता हूँ यहाँ से और क्या कर देता हूँ, इस आखिरी वाले में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टोटल एक हेडिंग है और तीन अदद पैराग्राफ है, इसको ज़रा चला के देख लेते हैं कि ये चलाने में कैसा दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब अगर मैं तीनों को एक एक आईडी दे दूंगा तो मैं तीनों को अलग अलग भी गेट कर सकता हूँ, तीनों को अलग अलग भी मैं उठा सकता हूँ और इस पर कोई ना कोई ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे तीनों पे कोई काम करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, वो काम करने का तरीका ये है कि एक तो टैग नेम है, अब हम ना अभी एक सब देख लेते हैं लाइन से कि एलिमेंट को गेट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या तरीके मौजूद हैं वो हम सब देख लेते हैं। अच्छा, एक तो एक गेट एलिमेंट बाई आईडी जो बुक में इन्होंने बताया है, नया वाला जो है ना वो एक क्वेरी सेलेक्टर, नया वाला जो है अब ज़्यादातर लोग क्वेरी सेलेक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो यही सेम चीज़ ना हम क्वेरी सेलेक्टर में करते हैं, आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में अपने, मैंने कहा भाई var el, सही है, els, इसके लिए वेरिएबल बनाते हैं लोग els के नाम से आमतौर पर के एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट, एक तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई गेट एलिमेंट, देखो एक है गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई नेम, ठीक है, ये नेम कौन सा नेम है, हर जैसे इनपुट बॉक्स के अंदर एक नेम का एट्रीब्यूट होता है, ये उस नेम की बात हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद टैग नेम, टैग नेम का मतलब है कि जैसे एच वन है तो एच वन उसका टैग नेम है समझो, उसके बाद है टैग नेम एन एस, ये क्या करता है भाई, एन एस ओनली नेम स्पेस रिटर्न स्टैटिक इफ ए लोकल, ये कुछ ये समझ में नहीं आया क्या है, वेल और गेट सिलेक्शन भी पता नहीं क्या है, वेल तो मेनली जो यूज़ होते हैं ना वो ये तीनों तो यूज़ होते ही हैं, बाई आईडी, बाई क्लास नेम, बाई नेम और बाई टैग नेम, ये चार हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, वो मैंने कई दफ़ा यूज़ किए तो मैं अगर बोलता हूँ गेट एलिमेंट बाई टैग नेम और टैग नेम के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, पी फॉर द पैराग्राफ, तो अब जब मैं इसको कंसोल करवाऊंगा मेरे किसको, ELS को, ठीक है, तो ELS एक एरे है इस वक्त,
ये पूरी चीज़ एक एरे रिटर्न करेगी और वो एरे ELS के अंदर आके सेव हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्सोल डॉट लॉग ELS जब मैंने करवाया तो वो एरे पूरा प्रिंट हो जाएगा। इसको चला के देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है ये चलाने में। अच्छा ये तो चल रहा है ना पहले से ही, कॉन्सोल इसका देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने तो ये देखो कॉन्सोल में पहले एलिमेंट पे एक पैराग्राफ, दूसरे पे एक पैराग्राफ, तीसरे पे एक पैराग्राफ। इसको मैंने ओपन किया तो देखो ये पैराग्राफ का ना पूरा जो डॉम का ऑब्जेक्ट होता है पैराग्राफ का, वो पूरा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के ऊपर डॉट इनर टेक्स्ट लिखूंगा मैं तो मुझे उसका इनर टेक्स्ट भी मिलेगा। इसके ऊपर मैं कोई स्टाइल सेट करूंगा तो वो भी होगा। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या आ गया है कि मैं इस ELS के ऊपर जो है ना लूप चला के कोई भी काम करवा दूँ, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। अच्छा यही काम करने का जो एक नया तरीका जो है वो क्या है, अच्छा वार नहीं लिखेंगे हम इसमें, लेट लिखेंगे क्योंकि हम ES6 सीख रहे हैं, सही है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और मैंने जस्ट इसमें P लिख दिया तो अब देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया मैंने, एक P मिल गया मुझे, ये सही है। ये P कौन सा वाला मिला मुझे, सबसे पहला वाला मिला, ठीक है। अच्छा अगर मुझे सारे गेट करने हैं तो इसमें मेरे पास क्या ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में ना एक एक आ रहा है सेलेक्टर, एक आ रहा है सेलेक्टर ऑल, ऑल करके मैं दूंगा ना तो मुझे ये सारे दे देगा। रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये सारा मिल गया, एरे एरे मतलब हाँ नहीं वो मुझे रिटर्न कर रहा है ना ये। देखो मैं तुम्हारा शायद सवाल सही से समझा नहीं हूँ, दोबारा अपना रिपीट करो सवाल। नहीं इवेंट नहीं है ना इसमें, इवेंट नहीं है। देखो सुनो हो रहा क्या है, ये स्क्रिप्ट की जो फाइल है ना इसमें ये ओपनली सब कुछ लिखा हुआ है, तो ओपनली जो चीज़ लिखी हुई होती है वो कब चलती है, पेज लोड होते ही चल जाती है। तो वो पेज लोड होते ही असल में ये कॉन्सोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जा रहा है। देखो मैं कर रहा क्या हूँ, यहाँ पे आके मैं क्लियर करता हूँ और जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना तो ये रिफ्रेश होते ही आ जाता है यहाँ पे। अब मैंने ना दोनों को प्रिंट करवाया, एक मैंने प्रिंट करवाया गेट एलिमेंट बाई टैग नेम को और एक करवाया सेलेक्टर ऑल को। एक मुझे देता है HTML कलेक्शन और एक मुझे देता है नॉर्ड लिस्ट। अब ये नॉर्ड लिस्ट और HTML कलेक्शन क्या चीज़ है, ये हम डॉम जब पढ़ेंगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखो जो एक एलिमेंट होता है ना, एक एलिमेंट जो होता है उसको एक नॉर्ड भी कहते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे जैसे हम एक HTML का एलिमेंट जब गेट करते हैं ID के ज़रिए तो उसमें मुझे ना HTML का वो एलिमेंट उठ के आ रहा होता है, सही है। एज अ नॉर्ड वो नहीं आ रहा होता मेरे पास। अच्छा अब ज़रा हम देखते हैं कि अंदर इसके फ़र्क क्या है। कलेक्शन के अंदर जब मैं खोलता हूँ तो मुझे देखो ये दे रहा है एक्सेस की अलाइन ऑटोमेटिक ये सब दे रहा है। अच्छा इसमें मुझे क्या दे रहा है, इसमें भी वही चीज़ें दे रहा है लेकिन टाइप का फ़र्क है। क्या फ़र्क है, टाइप का फ़र्क है ये। अब इन दोनों की टाइप में क्या क्या फ़र्क होता है ये हम वक्त के साथ साथ हम देखते रहेंगे, इसके डॉक्यूमेंट भी बने हुए हैं। तो HTML कलेक्शन अगर वो है तो उसमें यानी एरे की जो टाइप है ना मेरी वो HTML कलेक्शन है, यानी एरे के हर इंडेक्स पे एक HTML पड़ा हुआ है और दूसरे पे नॉर्ड की लिस्ट है तो एक एक नॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों की टाइप में फ़र्क है, इसके थोड़े मेथड्स में भी फ़र्क होगा। अब देखो इसके अंदर मेथड क्या क्या है मेरे पास, डॉट लेंथ है, डॉट ये सॉरी ये मैं गलत जगह खोल गया, मैं ये मुझे पैराग्राफ के अंदर जाके मुझे इसके मेथड्स देखने होंगे, ठीक है। चाइल्ड नॉट चिल्ड्रंस ये सब इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा इस वाले को अगर हम खोलते हैं तो मुझे इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें भी वही सब कुछ है। शायद कोई एक दो छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क होगा मे बी। अच्छा तो अब देखो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है ना डॉम का, उसमें एक चीज़ होती है चाइल्ड नॉट्स। ये चाइल्ड नॉट क्या चीज़ है, इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, वो टेक्स्ट आ रहा है, यानी ये जो एक पैराग्राफ है इसके अंदर जो चाइल्ड है इसका वो क्या है, टेक्स्ट है।
अच्छा टेक्स्ट के अंदर भी चाइल्ड नॉट हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन हो सकता है हो, ठीक है। अच्छा उस टेक्स्ट के अंदर पेरेंट नॉट आ रहा है, पेरेंट नॉट, पेरेंट नॉट कौन है इसका, पैराग्राफ है पी, ठीक है। अब इस पी के अंदर मैं जाता हूँ चाइल्ड नॉट टेक्स्ट इस, जी दोस्त हाँ अच्छा इस टेक्स्ट के अंदर मैं गया, इसके अंदर फिर दोबारा क्या मौजूद है, चाइल्ड नॉट, ठीक है। अच्छा तो अब नॉट जो होता है ना वो इंशाल्लाह हम डॉम में उसको बजी डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ दोबारा। देखो एक तो होता है एलिमेंट एचटीएमएल का और एक होता है नॉट। मिसाल के तौर पर मेरे पास, मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि नॉट क्या होता है। आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, ये तीन आइटम है। मैंने इसको एक आईडी दे दी एबीसी, इसको मैंने एक आईडी दे दी एबीसी के नाम से, ठीक है। अच्छा और इसको मैं गेट करूँगा ना जब, तो ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एज ए एचटीएमएल मुझे ये मिल गया एक एलिमेंट। अच्छा अब मुझे, मैंने बोला इसके अंदर इनर एचटीएमएल में क्या है, तो मुझे ये पूरा मिल गया, ठीक है ये मिल गया मुझे। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर के एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, उस एलिमेंट पे ऐसा क्या लगाता हूँ कि इसके अंदर के एलिमेंट मुझे मिल जाए। चल के देखते हैं, इन दोनों को रोक देता हूँ, नहीं इनर एचटीएमएल से तो पूरा वो पूरा दे देगा ना, इतना ही मुझे एक एलिमेंट उठाना है ये वाला, तो ये मैं कैसे उठाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे इसको गेट कर लेते हैं, लेट एबीसी, सही है एबीसी के नाम से जो आईडी है ना वो मैंने उठा ली, कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने कहा कि यार इसको ELS3 को ना प्रिंट करवा दो, ELS3 को मैंने प्रिंट करवा दिया, देखते हैं क्या प्रिंट होता है यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छा ये क्योंकि ऑल लगा हुआ है ना इस पर, तो ये अभी भी वो एरे ही दे रहा है, ऑल हटा देता हूँ, सिंगल गेट करना है ना मुझे, सही है। ये देखो ये आ गया, ऐसे HTML मुझे मिल गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे इसके अंदर की कोई चीज़ गेट करनी है, तो इस पर मैं क्या करता हूँ, डॉट डॉट लगा के काफ़ी चीज़ें मिल रही होती हैं। अभी एज अ ऑब्जेक्ट कैसे प्रिंट होगा, मेरे ख्याल है वो पहले ऑल लगा हुआ था ना उसमें ही ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था, उसी तरह क्योंकि अंदर के मैं चीज़ें देखना चाह रहा हूँ उसमें क्या क्या मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसके इस UL के अंदर जो तीन LI है ना, मुझे वो तीनों LI गेट करनी है और उन तीनों LI पे कुछ करना चाहता हूँ मैं कोई प्रोसेस, तो अब यहाँ देखते हैं कि कहाँ पे वो अवेलेबल है। इसके सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, एट्रीब्यूट इसमें एक ही लगा हुआ है आईडी के नाम से, वो एट्रीब्यूट देखो मुझे मिल रहा है, सही है ये एट्रीब्यूट आ गया मेरे पास। अच्छा और मुझे क्या मिल रहा है इसके अंदर, इसके चाइल्ड नॉट्स मिल रहे हैं और इसके चिल्ड्रन मिल रहे हैं। देखो अब नोट करना यहाँ पे कि इसके जो चाइल्ड नॉट्स हैं ना वो अलग हैं और चिल्ड्रन इसके अलग हैं। चिल्ड्रन पे करूँगा ना तो मुझे तीन अंदर के HTML मिलेगा, देखो LI LI LI, ये हम शुरू से देखते हुए आए हैं। मैं चिल्ड्रन का इंडेक्स वन करूँगा तो पहला, चिल्ड्रन का इंडेक्स टू करूँगा तो दूसरा, चिल्ड्रन का इंडेक्स थ्री करूँगा तो तीसरा। पहले को खोला, उसके अंदर जो कुछ है वो जो हो सकता था, यानी इस LI पे मैं कोई भी स्टाइलिंग में स्टाइलिंग लगा सकता हूँ। नॉट ऑन अदर हैंड ना, इसमें देखो चिल्ड्रन अब टोटल कितने हुए, एक ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है और ये चाइल्ड है। इस LI का मजीद कोई चाइल्ड है क्या, नहीं चाइल्ड नहीं है वो, चाइल्ड नॉट्स हैं। अच्छा अगर ये नॉट की सूरत में मैं बात करूँ इसमें, तो नॉट की सूरत में अब क्या किया है इसमें, चाइल्ड नॉट्स में चला जाता हूँ, चाइल्ड नॉट में ना ये देखो इतने सारे चाइल्ड नॉट्स हैं इसके, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो क्या है, वो एक अलग नॉड है और LI जो है वो एक अलग नॉड है, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे ऊपर ये एट्रीब्यूट में भी नॉड शो कर रहा था ना, कहाँ गया एट्रीब्यूट वाला, ये रहा एट्रीब्यूट्स है ना, एट्रीब्यूट्स में जब मैं जाऊँगा तो एक ही एट्रीब्यूट है, इसको मैंने ओपन किया, ये देख रहे हो चाइल्ड नॉट जिसके खाली हैं,
इस एट्रीब्यूट के अंदर कोई नॉड नहीं है, इस एट्रीब्यूट के अंदर नॉड हो सकता था क्या? कैसे हो सकता था? अगर मैंने एट्रीब्यूट के जरिए स्टाइल अप्लाई किया है तो भाई वो स्टाइल तो पूरा ऑब्जेक्ट है ना अंदर, उसके अंदर क्लास होगी फिर और अंदर फिर, तो वो भी चाइल्ड नॉट में पूरा आ रहा होता लिस्ट। लेकिन अगर चिल्ड्रन करके वो नहीं मिलेगा हमें जो ये नॉड में मिल रहा है, ठीक है, चिल्ड्रन करके वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो यहाँ मिलती है नॉड में, ठीक है। अच्छा तो चाइल्ड नॉट्स हमने यहाँ पे देखा क्या है। अच्छा हर चाइल्ड, देखो HTML जो है ना वो असल में क्या है, ट्री स्ट्रक्चर है। ट्री स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना? ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक रूट होता है, हमारे केस में जो रूट है वो क्या है, वो HTML का ये टैग रूट है, रूट है, सही है। फिर उसके बाद बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 है, तो एक तना जाके ऊपर दो हो जाता है, दो से चार हो जाता है और चार से 4000 भी हो जाता है वो, तो दिस इज कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर। तो ट्री स्ट्रक्चर जो है एक टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है, ये नोट कर लो टॉपिक, किसी ने अगर वो नहीं पढ़ा है, यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर पढ़ाते हैं लेकिन वो कोई ऐसा दो तीन लेक्चर की वो कहानी है, टोटल 3-4 डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा आप लोग खुद से कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसके कोर्सेज होते हैं 10-12 वीडियो के कोर्सेज होते हैं यूट्यूब पर, बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बल्कि मैं अगर ढूंढ के खुद भी भेज दूंगा आपको। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो है ना ये आप अगर पढ़ेंगे ना जब, तो उसमें एक डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर। तो ये HTML आपका जो है ना वो ट्री स्ट्रक्चर है। अच्छा मैं ज़रा यार 22 लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं तो मैं जल्दी से ना एक अटेंडेंस और लगा देता हूँ। ये मैंने अटेंडेंस लगा दी जल्दी से, सही है, ताकि जो भी लोग कनेक्टेड है वो यहाँ पे काउंट हो जाए। अच्छा तुम लोगों की भी एक फोटो ले लूँगा। अच्छा तो हमने क्या देखा कि जो डॉम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको हैंडल करने का एक तरीका क्या है कि एक एलिमेंट है उसका चाइल्ड एलिमेंट है, उसका चाइल्ड एलिमेंट एक तो ये है, और अगर हमें उससे ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए अगर, तो फिर हम नॉड्स में डील करते हैं। हम कहते हैं एक बॉडी है, बॉडी एक नॉड है, ठीक है, देखो बॉडी है ना ये बॉडी एक नॉड है, उसके अंदर बॉडी के अंदर नॉड है H1 के अंदर नॉड है टेक्स्ट। अगर इस H1 का कोई एट्रीब्यूट होता तो वो एक अलग नॉड होता, ठीक है। फिर इसी तरह एक UL है, उसके अंदर नॉड है एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट के अंदर ये फिर LI है, LI के साथ आइटम जो है 1 जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी एक नॉड है। तो नॉड में ना थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग मिल जाती है हमें समटाइम जो हमें। अच्छा वो सारे काम जो आपको नॉड लिस्ट से करने पड़ते हैं वो सारे काम HTML एलिमेंट गेट करके भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम उसमें होता नहीं हो। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम ना थोड़ा लिखने में थोड़ा लंबा चौड़ा सा होता है, document.query selector थोड़ा क्लीन लगता है लिखने में, तो इसी तरह जो नॉट की लिस्ट आपको मिलती है जब नॉट्स में आप डील कर रहे होते हैं तो थोड़ा कोड समटाइम लोगों को लगता है कि क्लीन है। मुझे भी पर्सनली लगता है कि नॉट्स में जब आप डील करते हैं तो कोड थोड़ा सा क्लीन होता है, ठीक है। दोनों के मेथड्स भी थोड़े थोड़े अलग होते हैं जी दोस्त। जी नेम अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो नेम होता है वो। सर नेम आजकल सवाल होता है। हाँ देखो जब जरूरत, देखो CSS के सेलेक्टर कितने सारे पड़े थे हमने, वो सारे इस्तेमाल होते हैं क्या? लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़ जाए ना वहाँ पे फिर उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। नेम के बारे में नॉर्मली अगर कहीं पे ऐसी जरूरत पड़ जाती है सडनली कहीं पे कि फिर जहाँ पे वो नेम की अब जरूरत पड़ गई ना, अगर गेट एलिमेंट बाई टैग नेम या नेम, अब उसके अलावा फिर करेंगे कैसे उसको, कर ही नहीं सकते। अब वो मैं एग्जैक्टली अभी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बता सकता कि कहाँ जरूरत पड़ेगी, लेकिन तो CSS के सेलेक्टर का भी यही केस है कि अगर फर्स्ट चाइल्ड पे आपको जरूरत पड़ गई कहीं पर तो फर्स्ट चाइल्ड के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या तो आप पूरे को गेट करो उस पर लूप चलाओ पहले वाला, या पूरा गेट करके शुरू वाला निकालो, वही करोगे फिर जुगाड़े करोगे कोई।
सेलेक्टर होगा तो आसानी से हो जाता है। तो ऐसे आमतौर पर इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते ये वाले, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी फिर वहाँ मसला है, वहाँ तो वही चलेगा। अच्छा तो क्या देख रहे थे हम जनाब यहाँ पे? अच्छा नॉट बाई द वे वैसे कहते हैं किसको है, बता सकता है कोई? नॉट ऐसे अंग्रेजी में किस चीज को कहते हैं? किसके? मुझे कंप्यूटर वाली डेफिनेशन तो पता है मुझे, लेकिन अंग्रेजी में नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अ पॉइंट, ये तो टेक्निकल ही बता रहा है। अच्छा बॉटनी में भी एक होता है, अ पार्ट ऑफ अ प्लांट स्टेम फ्रॉम विच वन और मोर लीव्स इमर्ज ऑफन फॉर्मुलेटिंग स्लाइटली स्वेलिंग। अच्छा अच्छा ये मैं समझ गया, ये जो पत्ता निकलता है ना जहाँ से उसको नॉड कहते हैं, ये जो जगह है ना जहाँ से ये पत्ता निकल रहा होता है इस जगह को नॉड कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा पत्ता जहाँ निकल रहा हो, ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है ये वाली जगह। और कोई बेहतर फोटो अगर मिल जाए नीचे हमें, ये रहा देख रहे हो छोटे छोटे यहाँ से ना और भी पत्ते निकल रहे हैं, ये नॉड है ये सारे। जिस जगह से वो पत्ते निकल रहे हैं वो नॉड कहलाता है बायोलॉजी के अंदर। ये उसकी रियल पिक्चर भी हमें कोई अगर मिल जाए अच्छी सी, लेकिन कंप्यूटर में मैं बताता हूँ किस चीज़ को कहते हैं। कंप्यूटर में मैं आपको अलग से बताऊँगा कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है। ये देख रहे हो हल्का सा फूला हुआ है यहाँ पे, सही है? ये जो स्वेलिंग हुई भी है ना हल्की सी, ये इस पार्ट को, और यहाँ से देखो दो दो पत्ते निकल रहे हैं, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉड। अच्छा ये टेक्निकल भी लिखी हुई है यहाँ पे डेफिनेशन, वापस आते हैं हम। क्या हो गया भाई, बायोलॉजी हटा देते हैं। अच्छा अब देखो कंप्यूटर के अंदर जो है ना नॉड किस चीज को कहते हैं? अ पॉइंट इन अ नेटवर्क और अ डायग्राम एट विच लाइंस और पाथवे इंटरसेक्ट और ब्रांच। किसी भी नेटवर्क में, जैसे इस लैब में हम मौजूद हैं, इस लैब के अंदर जाहिर एक नेटवर्क है ना, ये आप सब लोगों का कंप्यूटर एक वाईफाई से कनेक्टेड है या तारों से कनेक्टेड है। आपका कंप्यूटर ये जो रखे हुए हैं ये वाले, ये तारों से कनेक्ट है आपस में, ठीक है? ये वाईफाई नहीं है इस वाले के अंदर, डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो आपके सामने। अच्छा जैसे ये लैपटॉप है, जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो वाईफाई से कनेक्ट है, कनेक्ट लेकिन सेम नेटवर्क से। तो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद तमाम कंप्यूटर एक नॉड है, एक एक नॉड है। या इसकी मैं छोटी स्केल पे अगर एग्जांपल दूं कि एक कंप्यूटर है वो तार के जरिए एक प्रिंटर से, जैसे अभी देखो ये कंप्यूटर है ना, ये तार के जरिए मेरा फोन इससे कनेक्टेड है, ठीक है? अब इसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो ये मोबाइल एक नॉड है, ये कंप्यूटर एक नॉड है। इस कंप्यूटर के साथ एक माउस भी अगर कनेक्टेड होता तो माउस भी क्या होता, एक नॉड होता। ये नेटवर्किंग में ये एग्जांपल दी जाती है, तो मैं वो वाली एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर साइंस में नॉड का मतलब ये होता है, टर्मिनल क्या हाँ नॉड होते हैं। जैसे मैं समझ गया तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें इन हाउस सर्वर होता है, बिल्डिंग के ये कमरे में सर्वर पड़ा हुआ होता है और सब कंप्यूटर तारों के जरिए उससे कनेक्टेड होते हैं। तो वो सर्वर भी एक नॉड है, जितनी भी एंटिटीज है ना जो आपस में कनेक्टेड है, वो सर्वर खुद एक नॉड है। उस सर्वर से जो तार निकल के स्विच में गई है ना, जाहिर है स्विच के बगैर तो इतने सारे नहीं हो सकते ना कनेक्ट, उस सर्वर से तार निकल के स्विच में गई है, राउटर या स्विच जो भी है, वो राउटर एक नॉड है। उस राउटर से तार निकल के फिर जाहिर है फिर हर फ्लोर पे जाएगी अलग अलग, हर फ्लोर का एक अपना स्विच होगा, अपना राउटर होगा, वो भी एक नॉड है। फिर वहाँ से आके कंप्यूटर में जब कनेक्ट होगा तो कंप्यूटर एक नॉड है जिस कंप्यूटर में वो कनेक्ट है। अच्छा उस कंप्यूटर से जो और चीज़ें कनेक्ट है वो भी नॉड है, उस कंप्यूटर से जो कीबोर्ड लगा हुआ है वो एक नॉड है, उस कंप्यूटर से जो माउस लगा हुआ है वो एक नॉड है, उस कंप्यूटर में अगर कोई प्रिंटर कनेक्ट है तो वो भी नॉड है।
समटाइम ये होता है सर्वर से प्रिंटर कनेक्टेड होता है, एक ही होता है बिल्डिंग में, वो सर्वर से कनेक्टेड है, सब लोग उससे प्रिंट भेज सकते हैं, तो वहाँ पे भी अगर है तो वो भी एक नॉड है, प्रिंटर कहीं भी कनेक्टेड है ना अगर, हाँ वो जब कंप्यूटर से आपने तार उसकी अलग कर दी ना, अब वो नॉड नहीं है, क्योंकि अब वो अब कनेक्टेड नहीं है वो नेटवर्क के ऊपर। हाँ अगर मैं मेरे लैपटॉप में भी अगर मैंने इसका मैंने वाईफाई बंद कर दिया, सारी तारें निकाल के अलग कर दी, तो अब ये नॉड अब नहीं रहा ना, कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये डिसकनेक्ट कर दिया मैंने सब जगह, माउस भी एक नॉड है, प्रिंटर भी एक नॉड है, माउस भी एक नॉड है। मेन तना इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मेन तना नहीं है इसके अंदर। सही, अच्छा सवाल किया इसने, बड़ा बेहतरीन सवाल किया है कि भाई अगर सभी नॉड है तो मेन तना कौन सा है। अच्छा ये शायद दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मैंने पहले ये बताया था कि HTML जो है वो ट्री स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ट्री स्ट्रक्चर नहीं है नॉड, ठीक है। हाँ हर चीज़ एक एंटिटी है इसके अंदर, तो अभी वो ट्री स्ट्रक्चर को अभी थोड़ी देर साइड पे कर दो, अभी वो नॉड असल में क्योंकि बात इसमें यूज हुई है ना नॉड, तो भाई वो नॉड है क्या पर ये तो पता चले, तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया ना, पहले आपको नॉड की मैंने डेफिनेशन बताई है कि जर्नली इंग्लिश में नॉड किस चीज़ को कहते हैं और कंप्यूटर साइंस में नॉड किस चीज़ को कहते हैं। अच्छा तो ये नॉड जो है ना, इसके आप एग्जाम्पल लें वेब के तौर पर, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसमें बीच में कोई एक तना तो नहीं होता, ऐसे तारे होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं वो बस, उसका ना इधर कोई एंड होता है ना इधर कोई एंड होता है, सही है, दोनों तरफ का कोई एंड नहीं होता, वो ऐसी अनलिमिटेड होती है, तो वो आपस में ही घूम फिर के एक दूसरे से ही कनेक्टेड है वो जो नॉड्स हैं सारे। मिसाल के तौर पे इस नेटवर्क के ऊपर मेरा लैपटॉप एक नॉड है और ये कंप्यूटर जो सामने रखा हुआ ये भी एक नॉड है, ये दोनों किसी वाईफाई से किसी स्विच से किसी सर्वर से कनेक्ट है, वो भी एक नॉड है, तो मैं इस लैपटॉप से बैठ के सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, इससे बैठ के वहाँ भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मतलब इसके दरमियान एक है ना कनेक्शन कहीं ना कहीं, तो ये आपस में भी कनेक्टेड है ये, तो ये भी नॉड है, तो हर कंप्यूटर जितना भी इस लैपटॉप में पड़ा हुआ है ये सब आपस में इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ये जितनी भी नॉड्स हैं जितने भी, वाईफाई खुद भी एक नॉड है ना। देखो वाईफाई को अभी ऐसे नहीं सोचो कि ये हवा में कनेक्शन है, ऐसे सोचो कि मेरे कंप्यूटर से अगर वाईफाई नहीं होता तो कैसे कनेक्ट होता, तार से होता, अब नॉड हो गया, अब वो तार को हटा के ना वायरलेस कनेक्शन आ गया, वायरलेस, अच्छा बिल्कुल वायरलेस नहीं होता, वायरलेस कनेक्शन जितने भी होते हैं ना वो बिल्कुल वायरलेस नहीं होते, अगर बीच में कोई हर्डल आ जाएगा वो नहीं होता कम्युनिकेशन पर। मिसाल के तौर पर हाँ अल्टीमेटली वायरलेस कनेक्शन बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा सा चंक जो है ना पूरे इंटरनेट का, पूरा ओवरऑल इंटरनेट जो है उसका बहुत छोटा सा चंक वायरलेस है, 80% ऑफ द इंटरनेट इज वायर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे आप वायरलेस कनेक्शन करेंगे, नहीं कर सकते आप, तो असल में आप वो इमेजिनरी एक तार है जो आपके लैपटॉप से निकल के वो वाईफाई पे गई हुई है। और इसका एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूँ मैं, इसका एक्सपेरिमेंट ये कि अगर आप जो अपना मोबाइल फ़ोन है ना, आप यहाँ इसके ऐसे रख के ना यूँ दबा देंगे ना अगर आप बगल में अपने गोश्त के अंदर, तो आपके वाईफाई के सिग्नल चले जाते हैं। हाँ हाँ वाईफाई डिस्कनेक्ट, नेटवर्क भी डिस्कनेक्ट, सब डिस्कनेक्ट भाई, गोश्त को क्रॉस नहीं कर सकता ये, जी हाँ वाईफाई की जो तार है वो गोश्त को वो नहीं कर सकता। यह जैसे मैं बैठा हुआ ना यहाँ चेयर पे, मैं जैसे बैठा हुआ हूँ ये, मैं रान पे मोबाइल फ़ोन रख के ना दूसरी रान इसके ऊपर रख लूँ, अगर दबा दूँ दोनों रानों के बीच में दबा दूँ अपने फ़ोन को, तो सारे सिग्नल चले जाते हैं, फ़ोन करोगे फ़ोन नहीं आएगा, फ़ोन करोगे नहीं आएगा, नहीं वो निकालने के बाद भी एक डेढ़ मिनट तक नहीं होता वो, क्योंकि फिर स्कैन करता है ना नए सिरे से, सिम डालने के बाद एक डेढ़ मिनट तक सिग्नल कहाँ आता है, वो स्कैन करता है घूमता है फिर आता है, तो आपको बकायदा जब आप निकालेंगे ना तो सब कुछ जीरो होगा, इमरजेंसी ओनली लिखा हुआ रहा होगा। सही है, तो मतलब वायरलेस जो कनेक्शन है वो भी असल में, आपको पता है जो वायरलेस कनेक्शन है वाईफाई का उसका मीडियम क्या है ट्रैवल करने का, भाई तार जो है उसमें तो कॉपर वायर है ना जिससे करंट ट्रैवल कर रहा है, वायरलेस जो कनेक्शन है उसका मीडियम क्या है, वेव होती है, अगर
हवा नहीं होती ना इसमें, इस एनवायरनमेंट में मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा सकती है, पता है ना। अगर वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में आवाज़, चांद के ऊपर आप ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे हम बात कर रहे हैं, आवाज़ नहीं जा सकती, ट्रैवल नहीं करती क्योंकि हवा नहीं है। तो जो वाईफाई के असल में सिग्नल्स है ना, वो क्या है, वो एक आवाज़ है, वो एक साउंड है, लिटरली एक साउंड है। वो हम ह्यूमन जो बात करते हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक के दरमियान जो है ना आपके कान सुन सकते हैं। उससे ऊपर या उससे नीचे की आवाज़ आपके कान सुन, अच्छा बाय द वे उससे ऊपर नीचे की बात नहीं है, यानी एक एडल्ट जो होता है ना वो 20 हर्ट्ज़ नहीं सुन सकता भाई, सही है। वो 20 हर्ट्ज़ उसका वो बहुत वो नैरो होता जाता है, ये बिल्कुल जिसके कान बिल्कुल 100% काम करते हैं ना, ये उनकी बात है कि 20 हर्ट्ज़ से 20,000। वरना जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे 16,000 के आगे की सुनाई नहीं देता। वो बने हुए YouTube पे आप देखिएगा ना कि 20 से लेकर 20 हर्ट्ज़ तक वो साउंड पूरा चलाते हैं, तो 16,000 पे ठंडा हो जाता है, वो कोई आवाज़ नहीं आती फिर। नहीं थ्योरी फेल नहीं है, एडल्ट जैसे होता है ना बंदा, तो कान ज़ाहिर इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, वेयर टीयर हो रहा है तो, और हाँ आँखें भी वीक हो रही है ना आपकी, तो कान भी तो वीक हो रहे हैं, तो वो पूरे 20,000 तक भी सुनते नहीं हैं आप। अच्छा जो वाईफाई में से जो साउंड निकलता है, जो वेव निकलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज़ की बात हो रही है ना, 20,000 हर्ट्ज़। अगर यही हर्ट्ज अगर मेगा हर्ट्ज हो या किलो हर्ट्ज हो या गीगा हर्ट्स हो, तो वाईफाई से जो आवाज़ निकलती है वो क्या होती है, वो 2.5 गीगा हर्ट्स होती है। तो वो एक साउंड है जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन वो हवा के जरिए ट्रैवल करके आपके डिवाइस तक आता है और यहाँ से वापस जाता है। अगर आप कुछ फ्री अगर आप ये सुनने लग जाए ना, 2.5 गीगा की अगर आप आवाज़ सुनने लग जाए अगर आप, तो आपको आसपास जितने भी इंटरनेट की कम्युनिकेशन हो रही है आपके कानों में उसकी आवाज़ आएगी, ठीक है। हाँ वो किस तरह की होगी ये भी एक अच्छा सवाल है, मैं ये बता रहा हूँ सुनी है तुमने आवाज़ वो। हाँ कभी अगर स्पीकर करीब हो और आपके मोबाइल पे फ़ोन आए या SMS आए तो एक आवाज़ आती है, तक 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 आती है ना ऐसी आवाज़, आती है बिल्कुल, तुमने नहीं सुनी कभी। नहीं नहीं वाइब्रेशन नहीं होती वो असल में, अब जदीद फ़ोन जो है उनमें नहीं आती वो, और जदीद स्पीकर जो है उन्होंने वो फिल्टर लगा दिया उस चीज़ों पे, थोड़े पुराने वाले स्पीकर पे तो आती थी। अगर टीवी जो टीवी पे भी आती है, ठीक है, अगर टीवी के पास आपका फ़ोन पड़ा हुआ है और फ़ोन पे किसी का मैसेज आया, तो मैसेज आने से 2-3 सेकंड पहले वो आवाज़ आना शुरू हो जाती है और फिर वो फ़ोन में रिंग होती है। एक्सपेरिमेंट करके देखना, कीपैड वाले से कर लो अब भाई, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना लोगों ने बना के डाली थी, तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं। स्पीकर को तो इंटरनेट नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होती है ना भाई, जिस सिग्नल पे वो स्पीकर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होती है, इस वजह से वो आवाज़ आती है, और कोई रीज़न नहीं है। वाईफाई की होती नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि वाईफाई की, आपने ये पूछा ना कि अगर वो वाईफाई की आवाज़ में सुनने लग जाऊँ तो वो कैसी होगी, तो वो इस तरह का कुछ होगा, चिक चिक पिक पिक इस तरह का। नहीं जैमर्स ये करते हैं कि वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ना शोर मचाना शुरू कर देते हैं, हाँ। मिसाल के तौर पे मैं अभी बात कर रहा हूँ 20,000 हर्ट्ज़ पे 20 किलो हर्ट्ज़ जो है, अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई बंदा आ जाए वो भी 20 हर्ट्ज़ पे बात कर रहा है लेकिन वो कंटिन्यूसली बोलता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, तो मेरी आवाज़ तो दब गई ना। अच्छा आपको पता ये चलेगा कि मेरी आवाज़ आ रही है, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आपके, अच्छा ये आवाज़ मुख्तलिफ है, लेकिन मेरी बात समझ नहीं आएगी आपको। तो जैमर्स असल में, जैमर्स में अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो अभी एक जो फाइटर गिराया था पाकिस्तानियों ने, क्या नाम था उसका, वो मुच्छड़ का अभिनंदन, तो अभिनंदन का जो गिराया था उस दिन यही किया था इन्होंने, उस दिन जब ये फाइटर बाउंड्री के अंदर दाखिल हुए थे तो इन्होंने अपने जैमर्स ऑन किए तो उनके रेडियो सिग्नल्स जैम हो गए थे, वो हुआ यही था कि उस पर शोर चला दिया था इन्होंने उस सिग्नल के ऊपर,
तो अब वो शोर भी साथ साथ आ रहा है और वहाँ की फीड भी, इंडियंस की फीड भी आ रही थी पायलट के पास. तो पायलट, इंडियन पायलट ना समझ नहीं पाया कि वो बोल क्या रहे हैं. इन्होंने शोर उस पर चला दिया था उस फ्रीक्वेंसी में, तो उसको समझ में नहीं आया, वो आ गया अंदर. उन्होंने उन्होंने असल में बोलना था कि कैंसिल करो, उसको पता चल गया लीक हो गई खबर, लेकिन वो पायलट को आवाज़ ही नहीं आई शोर की वजह से. ठीक है, तो ये भी होता है कुछ केसेस में. उस डिफरेंट अप्रोचेज हैं, उनमें से ये भी एक है कि शोर मचा देते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में. वेल, तो हम बात करते हैं कि नॉर्ड क्या चीज़ होती है. तो हमने ये सीख लिया कि नॉर्ड क्या होता है, इंटरकनेक्टेड कोई भी चीज़ है ना आपस में, वो नॉर्ड होती है. तो अब HTML का एक तो है ट्री स्ट्रक्चर, जो HTML में आप पेरेंट है उसका चाइल्ड उठाओ, उसका चाइल्ड उठाओ, दैट इज ट्री स्ट्रक्चर, दैट इज सिंपल वन. लेकिन आपको कभी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करनी पड़ती है तो नॉर्ड्स के जरिए भी आप ये नॉर्ड वाली अप्रोच भी आप इसमें कर सकते हैं. ठीक है, नॉर्ड वाली अप्रोच में आपको एक बेनिफिट क्या होता है कि एक नॉर्ड है, ये इसका चाइल्ड नॉर्ड है, ये इसका चाइल्ड नॉर्ड है. हर नॉर्ड के पास ना अपने पेरेंट का एड्रेस होता है. यानी किसी नॉर्ड पे आप खड़े होकर, मिसाल के तौर पे आपने ये गेट किया, आप इसके जरिए ना ये पेरेंट भी उठा सकते हैं. पेरेंट का पता होता है हर नॉर्ड को, अपने पेरेंट का पता होता है. मिसाल के तौर पे मेरे लैपटॉप को ये पता है कि इसका पेरेंट नॉर्ड कौन है, या इसका सिबलिंग पड़ोस में, या आगे किस किस से कनेक्ट है. तो ये डायरेक्टली जो है राउटर से कनेक्ट है डायरेक्टली, फिर वो राउटर किसी और से कनेक्टेड है. तो यहाँ से अगर मैंने अगला नॉड उठाया राउटर का, तो राउटर से मैं क्या उठा सकता हूँ, राउटर से कनेक्टेड जितने कंप्यूटर हैं सब उठा सकता हूँ. उस राउटर से मैं स्विच का भी एक नॉड है, जहाँ से स्विच से पीछे से तार आ रही है, वो भी उठा सकता हूँ. उस स्विच तक मैं पहुँच गया तो इस स्विच से सर्वर एक नॉड है उसके आगे, और सर्वर के अलावा जितने दूसरे बिल्डिंग कंप्यूटर वो भी उसमें मौजूद हैं, दूसरे राउटर मौजूद हैं. तो नॉड एक नॉड से दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, आप पूरे HTML के डॉक्यूमेंट पे घूम सकते हैं अगर आप नॉड्स के जरिए ये काम कर रहे हैं. ठीक है, तो एक तो पेरेंट चाइल्ड और दूसरा नॉड. इंशाल्लाह डॉम जब हम पढ़ेंगे तो ये मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है जी, तो हम आते हैं अभी. तो बाई नेम समझ में आ गया सब लोगों को कि ये क्या हुआ. अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई उठा तो लिया, अब इसमें चेंजिंग कैसे करोगे. चेंजिंग इसने बोला ऐसे करोगे कि पैराग्राफ का इंडेक्स वन डॉट इनर HTML, ऐसे आप पहले एलिमेंट का जो है वो टेक्स्ट उठाओगे. अच्छा, टेक्स्ट को मॉडिफाई कैसे करोगे, वो भी ऐसे ही करोगे. आप बोलोगे इंडेक्स वन डॉट इनर HTML, इसके अंदर कुछ रखवा दो. तो रीड और राइट दोनों आप इसमें भी उसी तरह करोगे जैसे पहले करते थे आप. अच्छा, और अंदर चलते हैं. कह रहे लूप चला के भी कुछ कर लो उसमें. भाई एरे आ गया ना, 10 20 25 जितने थे सब एरे में आ गए. लूप चलाओ, हर एक एलिमेंट को आप मॉडिफाई कर दो लूप के अंदर. ठीक है, तो ये भी तरीका इसमें पॉसिबल है. तो ये थोड़ा सा आसान तरीका है. अगर आपको ऐसा कोई ऑपरेशन, जैसे आपके पास एक लिस्ट है, आपके पास एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट के तमाम आइटम्स के ऊपर आपको कोई काम करवाना है अलग अलग, या आपके पेज पे पैराग्राफ्स हैं 10 12 15, आपको तमाम पैराग्राफ पे वो काम करवाना है, तो फिर आप ये तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अगेन ये जो काम ये कर रहा है इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है. ठीक है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि हमें अलग अलग किसी पे इस तरह काम करना, ख़ास तौर पे रिएक्ट के फ्रेमवर्क के आने के बाद हम ये काम आमतौर पे नहीं कर रहे होते. रिएक्ट में क्या होता है कि हम जो, क्योंकि डायनेमिकली रेंडर हो रहा होता है HTML, इसमें तो हम पहले से लिख देते हैं ना हमारे पास, उसमें क्या होता है फ्रेम जो है वो तो पहले से आ रहा होता है. फ्रेम जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक में जो एक तो फ्रेम है कि भाई साइड में इस तरफ शॉर्टकट्स आ रहे हैं, ऊपर एक प्रोफाइल की एक पट्टी आ रही है, ये फ्रेम है, ये फिक्स रहता है. इस तरफ जो है ग्रुप्स आ रहे हैं आपके, लेकिन बीच का जो आइटम है जहाँ पे पोस्ट आती है वो डायनेमिक है. तो जब पेज खुलता है ना तो फ्रेम पहले लोड हो जाता है, लेकिन वो बीच वाला जो पार्ट है ना, रिएक्ट के फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो बीच वाला जो पार्ट है वो डेटाबेस से जब डेटा आता है तो मैं डायनेमिकली जनरेट करता हूँ. उसमें बहुत ईजिली हो जाता है ये काम रिएक्ट में. वैसे तो आप बड़े मुश्किल होगा अगर आप प्लेन HTML CSS में ये काम करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, लेकिन उसमें बड़ा ईजी होता है ये. तो हम डायनेमिकली करते हैं तो आमतौर पर हमें इसकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई फला फला को उठा के ये कर दो वो कर दो. उसमें लगाते भाई हम जो स्टाइल लगाना होता है वो हम लगा देते हैं बनाते भाई. अच्छा, अब आगे चलते हैं. आगे क्या है, टारगेट सम एलिमेंट्स बाई टैग नेम. अच्छा, एक तो था कि तमाम एलिमेंट उठा लिया उसने, अब कह रहा है कुछ एलिमेंट्स, तमाम पे उसको ऑपरेशन नहीं करना, कुछ पे करना है. तो अब वो क्या है भाई, पहले तो इसने भाई P लिख के ना सारे एलिमेंट उठा लिए टैग नेम से, लेकिन अब इसने किया क्या, इसने आगे जाके क्या किया, ये पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं इसने क्या किया.
अच्छा तो कहते हैं कि इन द लास्ट चैप्टर यू हैव लर्न हाउ टू मेक एन एरे लाइक कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट हैव पर्टिकुलर टैग नेम. कि आपने क्या किया, पर्टिकुलर टैग नेम के तमाम एलिमेंट्स उठा लिए एज अ एरे. फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट मेक्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये जितने भी पैराग्राफ नाम थे ये सब उठा लिए हमने. अच्छा, यू ऑल्सो लर्न हाउ टू रीड और सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट. हमने ये भी देखा कि जो एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स आए हैं उन तमाम एलिमेंट्स के क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज को रीड किया जाए और राइट किया जाए. प्रॉपर्टीज मतलब उस पर स्टाइल क्या है, उसमें अभी अभी उस पर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, उसका इनर एचटीएमएल, ये सब चीज़ें, ठीक है जी. अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट रीड्स, अच्छा कह रहे हैं कि भाई आपने इस तरह करके इसका टेक्स्ट जो है वो रीड कर लिया, ठीक है, रीड कर लिया. बट सपोज यू डोंट वांट अ कलेक्शन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स इन अ डॉक्यूमेंट, सपोज यू वांट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑल पैराग्राफ विद इन अ पर्टिकुलर डिव. कह रहे हैं कि आपको तमाम पैराग्राफ उठाने हैं लेकिन पूरे एचटीएमएल में से नहीं उठाने, एक डिव के अंदर से तमाम पैराग्राफ उठाने. मिसाल के तौर पे एक डिव मेरे पास थी लेफ्ट, एक थी राइट, पेज को मैंने दो हिस्सों में किया हुआ, तो राइट वाले में जितने पैराग्राफ हैं मुझे सिर्फ वो उठाने थे, मुझे पूरे एचटीएमएल से नहीं उठाने. तो अब मैं वो काम कैसे करूँगा. अब वो काम देखो इसने कैसे बताया. इसने बोला पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूल्स, गेट एलिमेंट बाई आई डी रूल्स. अब रूल्स के नाम से कोई डिव होगा इसके पास, मेरे केस में मेरे पास एक डिव है लेफ्ट, एक डिव है राइट. लेफ्ट में भी बहुत सारे पैराग्राफ है और लेफ्ट और राइट दोनों में बहुत सारे पैराग्राफ हैं. तो इसने क्या बोला पहले, पहले इसने बोला भाई लेफ्ट वाला ना पूरा डिव उठा लो, और यहाँ वेरिएबल में क्या आ गया, लेफ्ट वाला डिव आ गया. अब इस डिव के ऊपर इसने बोला है कि गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ठीक है. तो हमने इस पॉइंट पे क्या सीखा, हमने इस पॉइंट पे ये सीखा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो हम लिखते हैं शुरू में डॉक्यूमेंट, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा डॉक्यूमेंट पे ये क्वेरी सेलेक्टर चलाएं, हम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेरी सेलेक्टर चलाएं. किसी एलिमेंट पे भी क्वेरी सेलेक्टर मैं चला सकता हूँ कि भाई इस एलिमेंट के अंदर क्वेरी सेलेक्टर चलाओ, या इस एलिमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाई आई डी करो, या इस एलिमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाई टैग नेम करो. ये काम भी हम कर सकते हैं, समझ आई ये वाली बात, ठीक है. तो अच्छा, ये कौन से वाले में बात हो रही है, अभी अभी बात हो रही है इसमें एचटीएमएल कलेक्शन वाली बात हो रही है, पेरेंट और चाइल्ड वाले केस में बात हो, अभी नॉट वाली बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हुई है, ठीक है. तो ये चाइल्ड और पेरेंट वाली बात हो रही है. तो गेट बाई टैग नेम करूँगा, उसके अंदर जितने भी टैग्स होंगे उस स्पेसिफिक वो सारे उठ के आ जाएंगे. अच्छा, अच्छा यहाँ पे इसने एक एग्जांपल और बताइए, देखें क्या बता रहा है ये. इसने एक टेबल बनाई एचटीएमएल की, इसने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टेबल नंबर 9, और ये टेबल उठा के ना इस वेरिएबल में लेकर आ गया, पूरी की पूरी टेबल. फिर क्या करता है ये, उस टेबल के ऊपर गेट एलिमेंट बाई टैग नेम चलाता है, सही है. एक एलिमेंट के ऊपर क्वेरी सेलेक्टर इसने चलाया, क्वेरी की है कि भाई कितने क्या ला दो मुझे, सारे टी डी ला दो. अच्छा, टेबल के अंदर टी डी के अलावा क्या होता है, टी एच भी होता है, टी आर भी होता है, लेकिन इसने बोला टी डी मुझे सारे ला कर दो, ठीक है. ये सारे सेल्स आ गए, ये वाले सारे सेल्स आ गए. अब उन सारे सेल्स के ऊपर इसने क्या किया, लूप चला के ना बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर दिया तमाम सेल्स का, ठीक है. अच्छा, ये इन्होंने हर जगह गेट एलिमेंट बाई टैग नेम लगाया, क्वेरी सेलेक्टर भी आप लगा सकते हैं, वो इसी का ही अल्टरनेटिव है, और अभी ज़्यादातर क्वेरी सेलेक्टर यूज़ होता है. क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगेगा और उसमें हैश के बगैर लिखेंगे तो टैग नेम पकड़ता है. जी दोस्त, नहीं ये जो सेल्स है ना, ये एरे है, ये सिंगल एलिमेंट होता ना अगर, तो इस पर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन ये सिंगल एलिमेंट नहीं है. वो एरे मिला है मुझे, देखो जब मैं बोलता हूँ ना यहाँ से कि टारगेट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, तो जब भी टैग नेम से मैं गेट करूँगा ना तो मुझे हमेशा एरे मिलेगा, क्योंकि एक टैग एक नाम से ना बहुत सारे टैग हैं भाई, पैराग्राफ जो है मेरे पेज में एक तो नहीं है ना, बहुत सारे हैं. तो मैंने अगर यहाँ पे बोला जैसे टी डी है टेबल डेटा, तो टी डी जो है वो टेबल में एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे,
तो जब मुझे ये टैग नेम से चीज़ आएगी ना मेरे पास, तो वो एक से ज़्यादा होगी, तो इस वजह से वो एरे में आएगी फिर मेरे पास। अच्छा, इस केस में इन्होंने सवाल ये पूछा है कि सर इमेजिन करें कि अगर टेबल डेटा सिर्फ एक है पूरी टेबल में, तो क्या उस सूरत में भी मुझे एरे देगा वो? तो इसका जवाब है हाँ, उस सूरत में भी आपको ये एरे देगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको जब वो एरे मिल जाता है ना, तो आप उस पर इफ़ की एक लॉजिक लगा सकते हैं कि इफ़ एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू वन, तो आप उसको अकॉर्डिंगली हैंडल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट एक हो या दस हो या दस हज़ार हो, ये एरे ही देगा आपको हर हाल में, अगर आप टैग नेम से गेट करते हैं तो। नहीं, एम्प्टी एरे आएगा। हाँ, अगर इस नाम से कोई भी एलिमेंट नहीं है ना उसके अंदर, तो एम्प्टी एरे आएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल है इसको चला के देखने की जरूरत है क्या? सॉरी, क्या मतलब? हाँ हाँ ये वाले पे नहीं, देखो देखो गौर से समझना, ये ना एक एरे है। अब एरे को ये नहीं पता कि उसके पहले इंडेक्स पे क्या है, दूसरे पे क्या है, एरे को नहीं पता है। एरे को कहाँ से पता होगा? हाँ नहीं, एरे पे डॉट स्टाइल वो कहेगा कि एरे के ऊपर डॉट स्टाइल नाम का कोई मेथड नहीं है। एरे डॉट स्टाइल मिलेगा, एरे पे डॉट लेंथ मिलेगा आपको, एरे पे डॉट स्टाइल थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, एरर दे देगा वो कि एरे के ऊपर डॉट स्टाइल एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, एरे के तो अपने मेथड होते हैं, डॉट लेंथ होता है, डॉट स्प्लाइस, डॉट स्लाइस होता है। तो अब ये सेल्स जो हैं, ये एरे है, तो इसके पहले इंडेक्स पे जब आप जाएंगे ना, इंडेक्स आई पहला इंडेक्स, तो वो है एक HTML का एलिमेंट, उस पे लगेगा डॉट स्टाइल, उस पे लगेगा डॉट इनर HTML, जो भी चीज़ें लगती हैं। तो अब आपको करना ये होगा कि हर हर सेल पे जाके अलग अलग चेंज करना होगा आपको। इस पॉइंट पे बिल्कुल सही ये फीलिंग है, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि यार एक कोई ऐसा तरीका होता मैं सब पे एक साथ ये काम कर देता बगैर लूप चलाए, लेकिन लूप तो बना ही इसीलिए ना कि सब पे एक साथ करना हो, तो लूप उसके लिए चलता है। डॉट मैप, लूप चलाने के तीन चार तरीके मैंने डिस्कस किए थे, इस पॉइंट पे मैं किसी भी तरीके को अख्तियार करूँ ना लूप चलाने के लिए, तो वो सही है, ठीक है। किसी भी तरीके से लूप चला सकता हूँ मैं इस पॉइंट पे, ठीक है। मकसद जस्ट ये है कि लूप चलाना। नहीं देखो, अगर HTML की हम जहाँ तक बात करते हैं, तो सेल अगर HTML का एक है ना, तो सेल को तो आप स्टाइलिंग दे सकते हैं TD को, लेकिन TD के अंदर मौजूद टेक्स्ट जो है उसको तो दे ही नहीं सकते ना आप कुछ। नहीं देखो, तुम्हारा सवाल ये है कि एक मेरे पास टेबल है, ठीक है, उसके अंदर 10 सेल हैं, हर सेल के अंदर एक एक लाइन लिखी हुई है, चार पांच वर्ड्स की एक एक लाइन लिखी हुई है। अब मैं पहला सेल मैंने उठाया, अब एक तो तरीका ये होगा कि सेल को मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ, सेल का कलर चेंज हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है कि सेल को मैं फोरग्राउंड कलर दे दूँ, तो सेल के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट जो है उसका कलर चेंज हो गया, सही है, एक तो ये हो गया तरीका। तो अब तुम ये कह रहे हो कि मैं सेल तो है एक नॉड, उसके सेल के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है वो एक दूसरा नॉड है, तो मैं सेल पे स्टाइलिंग देने के बजाय मैं नॉड पे जाके स्टाइलिंग दूँ, ये नहीं कर सकते आप। हाँ, ये नहीं कर सकते आप, स्टाइलिंग तो आपको सेल पे ही देनी होगी, सही है, स्टाइलिंग आपको सेल पे ही देनी होगी। क्योंकि देखो, असल में पता है क्या है, सेल है ना एक सेल, इस चीज़ को आप समझ जाओगे तो तुम्हें बात समझ आ जाएगी, सेल जो है ना वो एक नॉड है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो एक नॉड है, जो सेल से कनेक्टेड है ना एक नॉड टेक्स्ट है, सेल से ही दूसरा नॉड कनेक्ट है वो उसका स्टाइल है, स्टाइल भी एक नॉड है। जब सेल के ऊपर ये दोनों नॉड लगते हैं ना, उसका टेक्स्ट उसका स्टाइल, तो वो सेल कंप्लीट होता है, तो स्टाइलिंग सेल पे लगेगी,
ठीक है, जब आप सेल के ऊपर स्टाइल अप्लाई करोगे ना, तो असल में आप ये कर रहे हो कि सेल पे आप एक और नॉड कनेक्ट कर रहे हो। अब इस सेल में दो नॉड है, एक टेक्स्ट एक स्टाइल। टेक्स्ट को वो स्क्रीन पे दिखा देगा, स्टाइल को वो अप्लाई कर देगा उसके ऊपर। दोनों को स्क्रीन पे दिखाएगा असल में, टेक्स्ट और स्टाइल दोनों को स्क्रीन पे दिखाएगा। ये समझ आए बात, क्लियर हुई जी? जो टेक्स्ट है, हाँ, खुद भी नॉड है, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं देखो, मैं ड्राइंग पे कोशिश करता हूँ समझाने की। पी ए आई एन टी जे एस, हाँ। मोबाइल तुम्हारा कौन सा, टाइप सी है? नहीं, टाइप सी इसमें कनेक्टर है। हाँ तो यहाँ लगा दो, मेरे पास आ जाओ। जीरो, देखो ये लगता है, दिखाओ पहले मुझे शक्ल, दिखाओ इसकी। नहीं, टाइप सी नहीं है ये, टाइप सी नहीं है ये। किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन का चार्जर है तो इसका फ़ोन चार्ज करो। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं भाई, अटेंडेंस अपनी लगा कर जाना, ठीक है? देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है? अब इसके अंदर ना एक नॉड ये कनेक्टेड है क्या, इसके अंदर का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है भाई, खामोशी, ठीक है? ये इसका टेक्स्ट है, सही है? इसी के ऊपर एक नॉड और भी कनेक्ट है, जो कि क्या है, स्टाइल है। अब सवाल ये है, जो दोस्त ने पूछा कि ये जो स्टाइल सेल से कनेक्ट है, क्या ये इससे कनेक्ट नहीं हो सकता? ये मैंने कभी करके नहीं देखा भाई, ये करके देखना तो भी पता चलेगा एग्जैक्टली। लेकिन मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि एक लैपटॉप है, इसमें मैंने एक नॉड कनेक्ट किया, क्या माउस, और एक कीबोर्ड है, वो भी एक नॉड है, दोनों नॉड है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि माउस तो पहले ही कनेक्टेड है ना, देखो ये मेरा माउस है ये वाला, ठीक है, मैं कीबोर्ड को माउस से कनेक्ट कर लूँ, क्या ये हो सकता है? हो भी जाता है समझ में। मेरे पास एक कीबोर्ड था, उसमें साइड में यूएसबी पोर्ट भी था, है ना, तो हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने अलाउ किया हुआ होगा तो हो सकता है, अगर अलाउ नहीं किया हुआ होगा फिर नहीं हो सकता। हाँ, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं होता, वो उसको तो आप करने के दूसरे तरीके हैं कि सर्च बॉक्स में आप जो लिख रहे हैं उसको वो हाईलाइट कर देना पूरे टेक्स्ट में जाकर। देखो आम तौर पे ये कंसिडर किया जाता है, कंसिडर किया जाता है यही है भाई कि अगर जैसे ये पैराग्राफ है ना, अब मुझे इस पैराग्राफ का जो एक सेंटेंस है ये वाला, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इसका मुझे असल में हाईलाइट तो तुम्हें दिख रहा है ना, असल में वो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हुआ है। तो मुझे इस सेंटेंस को अगर ना कोई स्टाइल देना है तो मैं नहीं दे सकता, मैं पूरे पैराग्राफ को दूंगा। अच्छा, अगर मुझे लाजमी चाहिए ही चाहिए कि भाई नहीं, इस सेंटेंस को मुझे क्या करना है, स्टाइल देना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्पैन में डालना पड़ेगा, या कोई भी कंटेनर, कोई भी कंटेनर, नॉट द स्पैन, कोई भी कंटेनर, उसमें मुझे इसको डालना पड़ेगा लाजमी, उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा मेरा। अब जबकि मैंने इसको स्पैन में डाल दिया ना, तो इस स्पैन को मैं आईडी दे सकता हूँ, इस स्पैन को मैं क्लास दे सकता हूँ, इस स्पैन को मैं स्टाइलिंग दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ इसमें, ठीक है? आमतौर पर ऐसा ही होता है। अच्छा, जो तुम बता रहे हो करके देखना, फिर मुझे बताना पूरे पैराग्राफ, इस पूरे असल में तुम्हारे सवाल का लुबो लवाब यही है कि पूरा पैराग्राफ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है ग्रुप, इस ग्रुप को मैं हाईलाइट कर दूँ, वही तुम्हारा सवाल है ना। तो क्या इस इतने से का स्टाइल चेंज करने का कोई तरीका है? इसका जवाब है नहीं। अगर तुम्हें कोई तरीका मिले तो मुझे बताना फिर, ठीक है? हाँ, ये हो तो रहा है, लेकिन असल में ये हो तो रहा है, सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा,
लेकिन वो ऐसे नहीं हो रहा है कि पैराग्राफ के बीच में कुछ भी नहीं है, ये जैसे जैसे बिल्डिंग एक वर्ड है, इसमें ये किसी कंटेनर में नहीं है और इसका कलर चेंज हो रहा है। तो डायनेमिकली जो है ना, आप कंटेनर बना भी सकते हैं, डायनेमिकली आप कुछ भी कर सकते हैं। वो अभी आप रिएक्ट पे जब मूव करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा वो कैसे होती हैं चीज़ें सारी। जी अच्छा, अच्छा देखो अब इसमें ना दो बातें हैं। नंबर एक बात, आपको क्या इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कंट्रोल F करके उस पर वो हाईलाइट आप खुद से करवाएं, क्या आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी? पहला तो ये सवाल है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पड़ेगी। क्यों? जैसे ये मेरे पास VS कोड है, मैं कंट्रोल F दबाता हूँ तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर ये काम हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन फैसिलिटी दी हुई है। इसी तरीके से मैं गूगल क्रोम पे अगर मौजूद हूँ, ये गूगल क्रोम है, ठीक है, मैंने कंट्रोल एफ किया और मैंने कहा सेंटेंस, और सेंटेंस की स्पेलिंग गलत लिखी क्या मैंने, ये गूगल क्रोम खुद करता है ना, ये तो आपको थोड़ी करना होता है। ये नहीं, वो तो वो दूसरे तरीके से कर रहे होते हैं, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल है ना सॉफ्टवेयर, तो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के प्रिविलेज भी अलग होते हैं और उसको अप्रोच करने का तरीका, जाहिर है वो जावास्क्रिप्ट में थोड़ी लिखा हुआ है, गूगल क्रोम जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ, वो C++ में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो फिर अंदर उसके अलग ही चीज़ें चल रही हैं, वो हम उसको डिस्कस करना फ़ायदा नहीं है अभी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हो रहा है ना ये तो काम, कंट्रोल एफ। तो क्या आपको कब ज़रूरत पड़ेगी ये काम करने की? अच्छा अब मैं बता रहा हूँ कि आपको ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ठीक है, जो तुम कह रहे हो ना वो भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा सेंटेंस और एंटर किया मैंने, ठीक है, मैं मेरे पास कोई वेबसाइट है जिसमें मैंने सेंटेंस लिख के एंटर किया, तो अब मेरे पास इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, क्लाइंट के पास से रिक्वायरमेंट आ सकती है कि जो रिज़ल्ट आया ना 1 2 3 4 इसमें जहाँ जहाँ पर क्या ये सेंटेंस का वर्ड आया है इसको क्या कर दो, हाईलाइट नजर आया, हाईलाइट नज़र आए। तो जब यहाँ पे बंदे ने एंटर किया था सेंटेंस लिख के तो मुझे पता था ना क्या क्वेरी हुई है, वही वर्ड उठा के मैंने डेटाबेस में भेजा, उससे मेरे पास रिस्पांस आया एरे की सूरत में। तो मैं डिस्प्ले कराने से पहले, जाहिर है मैं ये जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है ये डायनेमिकली जनरेट कर रहा हूँ ना मैं HTML, तो HTML जनरेट करते हुए मैं उस वर्ड को स्पेन में पैक करके गया, उसको स्टाइलिंग नहीं दे सकता हूँ, बनाते वक्त बिल्कुल कर सकता हूँ ये काम, ठीक है, बनाते वक्त ही। अभी अभी समझ में शायद ना आए, जब ये रिएक्ट पढ़ेंगे ना फिर ये समझ में आएगा कि पेज लोड होता है, आप कुछ लिखते हो, एंटर करते हो, वो टेक्स्ट आपको मिलता है, वो टेक्स्ट आप भेजते हो डेटाबेस में, वहाँ से डेटा उठ के आता है। अब वो डेटा उठ के आ गया ना आपके पास, आ गया वो एरे, अब उसको डिस्प्ले कैसे कराना है वो आप पे डिपेंड करता है, डिस्प्ले उसको कैसे कराना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब उसको डिस्प्ले कराते हुए एक तो ये सिंपल डिस्प्ले करा लिया, एक ये है कि उस पर मैंने लूप चलाया और लूप चला के जहाँ जहाँ सेंटेंस होता था उसको मैंने, उसके पीछे एक स्पैन, उसके आगे एक स्पैन, उसके अंदर एक क्लास डाल दी, कर सकता हूँ ना मैं ये, उसके बाद उसको इनर HTML में रख के मैं डिस्प्ले करूँगा तो वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा, तो उस पर एक क्लास लगी हुई होगी हाईलाइट, तो वो हाईलाइट हो जाएगी। तो मुझे उसके लिए ना नॉड की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैं कंटेनर बना दूंगा उसको, समझ रहे हो बात? वेल अभी ये ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन हो गई है इसकी, अभी हम ये नॉड वाला जो पढ़ेंगे ना चैप्टर, सॉरी डॉम वाला, सही है, इसमें अभी ये मज़ीद डिटेल में डिस्कस होगी कि ये बात ये चल क्या रहा है, असल में कहानी चल क्या रही है सारी। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न टू डिफरेंट वेज टू टारगेट कंपोनेंट ऑफ योर वेब, ज़रा ये ऑनलाइन वालों को भी देख लेते हैं। हाँ भाई सही आवाज़ वगैरह आ रही है ना तुम लोगों को? नॉट मीन्स इन उर्दू उभार, सही है, सही है, 20-22 लोग कनेक्टेड हैं। अच्छा तो खैर हम क्या पढ़ रहे थे, कह रहे हैं प्रीवियस चैप्टर में ना आपने दो तरीके सीखे हैं किसी भी एलिमेंट को उठाने के, गेट एलिमेंट बाई ID और बाई टैग नेम। हमने तो क्लास में वैसे 3-4 और भी पढ़ लिए, क्वेरी सेलेक्टर, हमने 4 जो बेसिक यूज़ होते हैं वो लिस्ट उसकी हमने देख ली है, तो इन्होंने 2 अभी तक बुक में पढ़ाया तो इसलिए 2 का जिक्र कर रहे हैं। तो दीज आर ऑफन द बेस्ट मैथड्स
for targeting things, but they have limitations. कह रहा है कि ये दोनों है ना बेस्ट हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. वो क्या है लिमिटेशंस? द फर्स्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी गिव्स यू एक्सेस ओनली टू दोज कंपोनेंट दैट हैव बीन असाइंड एन आईडी. कह रहा है आईडी से तो आप वही चीज़ें उठाओगे ना जिस पे आईडी लगी हुई है. जिस चीज़ पे आईडी नहीं है उसको तो आप नहीं उठा सकते. नंबर दो, द सेकेंड गेट एलिमेंट बाय टैग नेम इज गुड फॉर होल सेल चेंजेस बट बट इज़ अ बिट, कुछ मुश्किल सी अंग्रेजी लिखी है. फाइन सर्जिकल स्ट्राइक आप नहीं कर सकते इससे. कह रहे हैं कि आप होलसेल में सारे काम कर सकते हो कि फला जगह पे जाओ, सारे पैराग्राफ उठा के ये कर दो उसके साथ, ये सारे सेल उठाओ ये कर दो, सारी हेडिंग उठाओ ये कर, यही कर सकते हो ना, सारे एलिमेंट उठाते हो. कह रहे हैं कि आपको अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है ना, सर्जिकल स्ट्राइक समझते हो, किसी मखसूस जगह पे जब हम स्ट्राइक करते हैं, दो तरीके, जब जहाज़ से बम गिराते हैं ना तो उसमें दो अप्रोच होती है. एक होती है कारपेट बॉम्बिंग. कारपेट बॉम्बिंग क्या होती है कि चार पाँच दस जहाज़ होते हैं, यूं लाइन से जाते हैं और ऐसे सीक्वेंस है ना, वो बम गिराते हुए जाते हैं और पूरे एरिए पे वो कारपेट कर देते हैं, कारपेटिंग करते हैं बम से, ताकि कुछ भी ना बचे वहाँ पर. सही है, ये कर चुके हैं बहुत जगह पर. आप लिखेंगे ना कि हिस्ट्री में कारपेट बॉम्बिंग कहाँ कहाँ पर हुई है तो वो आपको आ जाएगा डेटा. होती रही है, अभी तो नहीं हुई रिसेंटली, लेकिन होती रही है वहाँ पे भी. अब अमेरिका ज़्यादातर अब सर्जिकल स्ट्राइक करता है. कारपेट बॉम्बिंग पुराना तरीका हो गया क्योंकि उसमें पैसे बहुत लगते हैं. एक तो जहाज़ इतने सारे भेजने पड़ते हैं, ऊपर से बम इतने महंगे होते हैं, जाहिर है कॉस्टली होते हैं ना, जो बनाने में उसको खर्च आता है. फिर वो क्या कहते हैं, इतने सारे लोग मरते हैं तो फिर मीडिया उस पर ना अटेंशन ग्रैब होती है मीडिया की. मीडिया फिर तंग करता है कि यार आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया. ठीक है, तो ये आप खामोशी से करने वाले तरीके ज़्यादा फोकस करते हैं. तो एक ये जो है ना गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, कह रहा है ये कारपेट बॉम्बिंग होती है, इससे तो इससे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकता. सर्जिकल स्ट्राइक क्या है कि पिन पॉइंट आपको एग्जैक्टली पता होगा, यार यहाँ पर मेरा टारगेट छुपा हुआ है, आपने वहीं पर उसको पिन पॉइंट करके मारना है. उसमें आपका एक जहाज़ होगा, छोटा बॉम्ब इस्तेमाल होगा, ज़ाहिर ज़्यादा एक ग्रेनेड भी फेंक दिया ना आपने पिन पॉइंट करके, अगर तो बंदा तो मर गया. ग्रेनेड की रेंज आमतौर पर 4-5 मीटर तक होती है, 4-5 मीटर के रेडियस में बंदा नहीं बचता, मर जाता है. ठीक है, 5 मीटर का मतलब है कि जैसे ये यहाँ से लेके वो कोने तक, मतलब इस क्लास के सेंटर में अगर एक ग्रेनेड फटेगा तो शायद कोई भी ना बचे. ठीक है, 4-5 मीटर होती है ग्रेनेड की ना, जो क्या कहते हैं उसको, वेल तो कह रहे हैं यार अभी क्या करें इसका, ये तो मसला हो गया. बोथ अप्रोचेस कैन चेंज थिंग ऑन योर वेब पेज बट नाइदर इज एबल टू डील ऑल द थिंग्स ऑन द पेज टू क्रिएट न्यू थिंग और मूव एग्जिस्टिंग थिंग और डिलीट देम. कह रहे हैं अभी क्या क्या काम करना है हमें, हमें तीन काम करने पड़ सकते हैं जो यहाँ से शायद ना हो पाए. नंबर एक, क्रिएट न्यू थिंग्स. नए एलिमेंट अगर क्रिएट करने पड़े आपको, अभी तक हमने काम किया ये वाला क्या नहीं किया, हमने किया है हमने, लेकिन थोड़ा नॉन प्रोफेशनल तरीके से किया है. लूप के अंदर रह के ना इनर एचटीएमएल ऐड करते जाते थे हम. ठीक है, एक डिव हमने पकड़ा और लूप चला के ना हमने बोला इस डिव के अंदर क्या करो, प्लस इक्वल्स करके इनर एचटीएमएल डालो पैराग्राफ, जो टेबल प्रिंट करवाई थी हमने बिल्कुल शुरू में. हाँ, मैट्रिक्स भी इसी तरह किया था हमने. ठीक है, तो हमने एलिमेंट क्रिएट तो किए हैं हमने, लेकिन डॉम के मेथड से नहीं किए हमने. और उस वाले तरीके में एक प्रॉब्लम भी थी, अगर किसी को याद हो तो वो स्लो बहुत था. अगर आपने बहुत लंबा चौड़ा कोई काम करवा दिया ना तो वो जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ना फिर डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर. ठीक है, वो फास्ट नहीं है तरीका, वो बहुत स्लो था. तो क्रिएट न्यू थिंग अगर आपको करना हो, किसी डिव के अंदर नया पैराग्राफ ऐड करवाना हो जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वो काम ना कह रहे हैं इन दोनों से कैसे करोगे. मूव एग्जिस्टिंग थिंग. मूव एग्जिस्टिंग थिंग का मतलब है कि किसी एक डिव में कोई पैराग्राफ पड़ा हुआ था या किसी एक डिव में कोई इमेज पड़ी हुई थी, उसको उस डिव से उठा के दूसरे डिव में लेके जाना है. अब क्या करोगे, ये इससे तो नहीं होगा इन दोनों से. और डिलीट देम. कह रहे हैं कि भाई एक टेबल में चार सेल हैं, एक सेल सिरे से ही डिलीट करवाना है. एक तो डिस्प्ले डन होता है वो नहीं कराना, डिलीट करवाना है. ठीक है, या एक पैराग्राफ था उसमें
उसमें अंदर तीन इमेजेस थी तो एक को डिलीट कराना है, या एक डिव था उसमें 10 पैराग्राफ थे, नंबर 3 पे जो पड़ा हुआ है ना पैराग्राफ उसको डिलीट करवाना है, सिरे से ही डिलीट करवाना है, तो ये काम कैसे होगा? अच्छा, इसकी रियल लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन भी समझा देता हूँ क्या है। जब आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं ना, तो जो डेटाबेस से डेटा उठ के आता है वो वहाँ पे क्या हो रहा होता है? क्रिएट हो रहा होता है। हमने तो इनर एचटीएमएल से सेम काम किया हुआ है पहले, लेकिन वो क्रिएट एलिमेंट के तरीके इसमें थोड़े मुख्तलिफ भी मौजूद हैं, जो ज़्यादा फास्ट हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हैं। नंबर 2 बात, जब आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो जो पीछे पेज ऊपर जा रहा है जो, वो तो मेमोरी में लोड हो रहा है सारा कुछ। अब आप जितना स्क्रॉल करेंगे वो नया जो लोड होता जा रहा है ना डेटा, वो रैम में बढ़ता चला जा रहा है। अब इसका एक पॉइंट पे आके रैम ख़त्म हो जाएगी आपकी, आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा। रैम आपकी अगर एक पॉइंट पे आके पूरी हो जाएगी तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कि यार ये बहुत रैम ले रहा है इसको हटा दो, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, अगर आप 4-4 घंटे भी बैठ के स्क्रॉल करते रहे फेसबुक को तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा कैसे होता है? पीछे वाला डिलीट होता रहता है, सही है, ऑब्वियस बात है बिल्कुल। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो पीछे 100 पोस्ट अगर आप क्रॉस कर गए तो वो मैक्सिमम 100 को वो पीछे स्टोर करेगा, उसके आगे वो डिलीट करता जाएगा ताकि रैम फ्री होती जाए आपकी। डॉम से डिलीट कर, यानी डॉम का मतलब है कि एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट से डिलीट करेगा। दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो, लेकिन वो रैम में भी नहीं होगा। तो ये डिलीट वाला काम भी वहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। क्रिएट भी समझ गए हम, डिलीट भी समझ गए। मूव एग्जिस्टिंग थिंग, ये रियल लाइफ में क्या किसी ने देखा है कि मूव एग्जिस्टिंग थिंग कैसे हो रहा होता है? एक एलिमेंट से उठा के दूसरे एलिमेंट में रखना किसी भी चीज़ को, पेज के एक पार्ट में से एक इमेज उठा के दूसरे जगह पे रखना, नहीं वेबसाइट के ऊपर देखा है कभी ऐसा? बताओ, सोचो। ड्रैग एंड ड्रॉप तो काइंड ऑफ नहीं, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी बटन पे क्लिक किया हो और वो इमेज या कोई पैराग्राफ एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया हो? इसी पेज पे अगर सही है, मूव एग्जिस्टिंग थिंग या मॉडिफाई एग्जिस्टिंग थिंग, इस तरह की कोई बात कि एक एलिमेंट से उठा के दूसरे में कर लें। अच्छा, कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जिसमें जो इस वक्त जो इंटरफेस है ना उसके अकॉर्डिंगली सामने बटन मुख्तलिफ दिख रहे होते हैं, सही है। बटन क्या दिख रहे होते हैं? मुख्तलिफ दिख रहे होते हैं। जैसे इमेजिन कर लो एक ब्यूटीफायर होता है ना, एक ब्यूटीफायर जो अक्सर मैं जेसन डालता हूँ उसमें ले जाके, उसमें जब तक मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ होता उसमें एक बटन आ रहा होता है लोड सैम्पल जेसन, ये बटन आ रहा होता है। जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ ना वो बटन गायब हो जाता है, और वो बटन क्या बन जाता है? ब्यूटीफाई का बटन बन जाता है। तो वैसे तो सिंपल है, ये एक बटन का नाम चेंज हो रहा है। हमने ये काम पहले भी करवाया है, हमने क्या करवाया, 2 बटन बना दिए CSS के जरिए, एक को हाइड एक को शो कर दिया, ठीक है। जब उस टेक्स्ट का हम देखते हैं ऑन चेंज के इवेंट पे, हमने एक बटन को गायब करा दिया, दूसरे को शो करा दिया। ये भी एक तरीका है, लेकिन डॉम के मेथड से हमने ये काम नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो डॉम के मेथड से वो यही सारे काम जो हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं लेकिन थोड़े नॉन प्रोफेशनल तरीके से, उसके मेथड्स अब यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या है। अच्छा, मुझे भी अभी कोई एग्जैक्टली अच्छी एग्जाम्पल नहीं आ रही कि मूव एग्जिस्टिंग थिंग जो है ना उसकी कोई अच्छी एग्जाम्पल मेरे जहन में अभी फिलहाल नहीं आ रही, ठीक है, आएगी तो बताऊँगा। फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज आर ओनली 2 ऑफ मैनी मैथड्स। कह रहे हैं कि तो हमने 2 पढ़ा है ना, इसके अलावा बहुत सारे हैं। फॉर वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि इस ये तो दोनों मेथड ही हमने पढ़े हैं, ये भी किसका पार्ट है? डॉम का पार्ट है, डॉम के मेथड्स हैं ये, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉट करके जो जो चीज़ें लगती हैं वो सारी क्या है? डॉक्यूमेंट के मेथड्स हैं वो, ठीक है, ये डॉम के मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें डॉम के मेथड्स हैं। मिसाल के तौर पे आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट
अपेंड चाइल्ड भी कर सकते, ये सारे डॉम के मेथड हैं, डिलीट भी कर सकते हैं जी, ठीक है, नॉट को भी डिलीट कर सकते हैं और पूरे एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं, दोनों चीज़ पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे एक टेबल के सेल पे गया, मैंने कहा डिलीट नॉट, तो उसके अंदर का टेक्स्ट गायब हो जाएगा, ठीक है, या मैंने डिलीट नॉट करके स्टाइलिंग वाला नॉट, तो स्टाइलिंग हट जाएगी उसके ऊपर जी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्या ऐसी अच्छी एग्जांपल दी है इसने, मूव एग्जिस्टिंग एलिमेंट की बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है ये, इन्होंने ये कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पेज पे एक डिव बना हुआ है, उसके अंदर कुछ है टेक्स्ट जो डेटाबेस से आया है या मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि एक बटन दबाऊँ ना तो वो डिव एज इट इज़, वो डिव और उसके अंदर की जितनी चीज़ें हैं वो पूरी डुप्लीकेट हो जाए, दो या तीन या चार कॉपी बन जाए, तो बिल्कुल हम ये कर सकते हैं इसके मेथड के जरिए, इसके सही है डॉम के मेथड, वो अभी देख भी लेंगे, बल्कि अब ये एग्जांपल बनाते हैं जो तुमने बताया ना, ये चीज़ करके देखते हैं कि एक डिव बनाते हैं और एक बटन के क्लिक पे ना उसको डुप्लीकेट करते हैं। अच्छा डॉम क्या चीज़ है अब ये बता रहा है, डॉम इज एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन क्या लगता है आपको, किस चीज़ को बोले जाते हैं, मुकम्मल ऑर्गेनाइज करना। अच्छा मतलब, और हमने ये सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ड वो ऑर्गेनाइज से निकला है, ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है, तरतीब है, सही है, देखते हैं ये बल्कि गूगल में साथ साथ, ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंज सिस्टमैटिकली और ऑर्डर, ठीक है, किसी चीज़ को हम सिस्टमैटिकली अरेंज कर दें अगर तो वो क्या कहलाता है, वो ऑर्गेनाइज करना कहलाता है। मिसाल के तौर पे जो कुछ लोगों को अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज करने का बड़ा शौक होता है, कुछ लोग अपने बैग बड़े ऑर्गेनाइज रखते हैं, बैग में कुछ लोग बड़ी ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखते हैं कि बड़े वाले खाने में लैपटॉप, फिर उससे छोटे वाले में उसकी केबल सारी, फिर उससे वाले में चार्जर, फिर पेन रखने की जो जगह बनी हुई है उसमें पेन सारे, ठीक है बहुत मतलब कम लोग होते हैं ऐसे, ज़्यादातर तो मेरे जैसे होते हैं जाग उठाया डाला अंदर सारा सीधा तो नहीं मैंने भी ऑर्गेनाइज़ किया, मैंने चार्जर रखने के लिए साइड में पॉकेट अलग से बनाया हुआ है ताकि वो ना वो लैपटॉप के साथ लड़ाई करता था अंदर जाके, ना लैपटॉप में स्क्रैच मार रहा था वो, तो मैंने इसीलिए तो थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन मैं भी कर ही लेता हूँ। तो हमने ये देखा कि ये ऑर्गेनाइज करना जो है किसी चीज़ को तरतीब में सिस्टमेटिकली अरेंज करना, उसको हम ऑर्गेनाइज कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का अमल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं अपने बैग को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, अगर मैं अपने बैग को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई बैग, ऐसे बोलूँगा ना मैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस था ना बड़ा मुश्किल था ये, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज टाइम टेकिंग या जो भी टफ डिफिकल्ट, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई बैग, तो ऑर्गेनाइजेशन हमने ये पढ़ा कि क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस। अच्छा तो इन्होंने क्या बोला कि डॉम इज एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस था ना वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ था उसका एक चार्ट है। HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी जो HTML का पूरा डॉक्यूमेंट है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, डॉम जो है ना उसका एक चार्ट है, उसका एक प्लान है, ठीक है, जैसे कि नाम से यहाँ जाहिर है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, मॉडल का भी मतलब यही होता है, मॉडल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा प्लान तैयार कर लिया जाए जिसको बाद में फॉलो किया जाएगा, कोई ऐसा प्लान तैयार कर लिया जाए मॉडल जिसको बाद में फॉलो किया जाएगा। मिसाल के तौर पर जो गाड़ी बनती है, तो एक गाड़ी वो पहले बनाते हैं सैंपल के तौर पर, फिर उसी की वो कॉपी करते रहते हैं बाद में,
उसी प्रिंसिपल पे बाकी तैयार, तो दैट इज कॉल्ड मॉडल। जब हम घर भी तैयार करते हैं तो घर का पहले एक नक्शा बनता है, दैट इज कॉल्ड मॉडल। ठीक है, एक 3D मॉडल भी आजकल बनने लगा, पहले तो पेपर पे होता था, अब 3D हो गया। तो 3D मॉडल है कि अच्छा यार बनने के बाद ऐसा दिखेगा, एंड देन वी फॉलो दैट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये जो वर्ड है इसका मैं क्या पता लगा, डॉक्यूमेंट तो HTML है, कि HTML जब ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होता है, HTML जब ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो उसका मॉडल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी एक मॉडल है, हमें पहले से ही पता है, हमें पहले से क्या पता है कि हर एलिमेंट में इनर HTML होगा, हर एलिमेंट में इनर टेक्स्ट होगा। अच्छा, कुछ एलिमेंट में वैल्यू होगी डॉट, अगर वो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें वैल्यू होगी, ठीक है, ये चीज़ें हमें पता है ना। हमने कहा हर एलिमेंट में डॉट स्टाइल लगा सकता हूँ मैं, ये एक मॉडल है ना, पहले से ही पता है ना कि हर एलिमेंट में ये काम होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो हुई भी है ना इसकी, ये खास तरीके से हुई भी, हर एलिमेंट में ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि भाई डॉक्यूमेंट सजे हुए कैसे हैं और उनके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी मुझे मिलेंगी, उसका एक पूरा चार्ट है, उसका एक पूरा, उसकी पूरी डिटेल्स है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाई द ब्राउजर व्हेन योर पेज लोड्स। ठीक है, जब आपका पेज लोड होता है, ब्राउजर को जब HTML मिलता है, तो ब्राउजर ये काम करता है कि उस HTML को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, अच्छा कुछ ब्राउजर हो सकता है इस रूल को फॉलो ना भी करें, थोड़ी अपनी भी साइड में कुछ चला लें, पॉसिबल है उनके लिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ब्राउजर जो है वो इस मॉडल को, इस चार्ट को, इस इंस्ट्रक्शन को, इस रूल को फॉलो करते हुए आपके HTML को किस में कन्वर्ट कर लेता है, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, फॉर द होल वेब पेज, ये पूरे वेब पेज के लिए काम हो जाता है, ऑल द थिंग्स ऑन योर ब्राउजर वेब पेज, द टैग्स, द टेक्स्ट ब्लॉक्स, इमेज, लिंक, टेबल, स्टाइल एट्रीब्यूट्स, मोर हैव स्पॉट्स ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। कह रहे हैं कि ये जो रूल बना हुआ है ना, इसमें सबके लिए जगह है। सही है, आप जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके HTML के अंदर, सबको कन्वर्ट करने के लिए पहले से रूल सेट है, कि भाई अगर इमेज आएगी तो उसका कैसा ऑब्जेक्ट तैयार करना है, अगर टेक्स्ट बॉक्स होगा तो उसका कैसा ऑब्जेक्ट तैयार करना है, सबके रूल पहले से ही इसमें बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स आता है तो उसके अंदर जो यूज़र लिखेगा वो डॉट वैल्यू में ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। अच्छा, दिस मीन्स दैट योर जावास्क्रिप्ट कोड कैन गेट इट्स हैंड ऑन एनीथिंग ऑन द पेज। कह रहा है कि जब मतलब ये हुआ कि तमाम चीज़ें उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं आपके ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। अच्छा, तमाम चीज़ें जब ऑब्जेक्ट मॉडल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि पूरे पेज में जब तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो समुंदर एक तैयार हुआ है, आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ना उसमें क्वेरी करके, उसमें कूद के ना कोई भी चीज़ निकाल के ला सकते हैं पूरे पेज के ऊपर से। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, एनीथिंग एट ऑल जस्ट बाई सेइंग वेयर दैट थिंग इज ऑन द चार्ट। अच्छा, कह रहा है उसके लिए आपको बताना क्या पड़ेगा, उसके लिए बताना पड़ेगा कि वो चार्ट में वो मौजूद कहाँ है, उस इंटरकनेक्टेड जो एलिमेंट्स हैं सारे, कि एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है, वो बताना पड़ेगा कि कौन से वाले का चाइल्ड आपको उठाना है, या उसको आप नाम बता दें या उसकी आईडी बता दें, आप बता दें कि कौन से तो उठा के ले आता है उसको। What's more, your JavaScript can add things. कह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया तैयार, क्योंकि जो ब्राउजर है ना आपका, उसको JavaScript ही समझ आती है सिर्फ, HTML ब्राउजर समझ नहीं सकता डायरेक्टली। HTML जो है डायरेक्टली ब्राउजर उसको समझ नहीं सकता। HTML ब्राउजर को मिलता है, उसको पहले वो बनाता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो JavaScript है, ठीक है, जो JSON होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो JavaScript होती है ना, तो पहले उसको बनाता है ऑब्जेक्ट, फिर उसको समझ में आता है अच्छा ये चीज़ है, फिर उसको डिस्प्ले करता है अंदर। ब्राउज़र जो है वो ये कर रहा होता है, ब्राउज़र को HTML का पता ही नहीं है,
ब्राउजर उसको कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में, फिर डिस्प्ले होता है वो। जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा ना जावास्क्रिप्ट में, जब तक वो डिस्प्ले नहीं हो सकता। तो खैर, तो इसने बोला कि भाई व्हाट्स मोर जावास्क्रिप्ट कैन ऐड थिंग्स, कह रहा है उस ऑब्जेक्ट में ना अगर आप जावास्क्रिप्ट के जरिए कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड भी हो जाएगा, जैसे ही ऐड होगा स्क्रीन पर दिख भी जाएगा ऑब्वियसली। मूव थिंग्स, अब पूरा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। आपने कहा भाई ये फला चीज जो है ना, ये जो पैराग्राफ वन के अंदर है एक इमेज, इसको यहाँ से डिलीट करो, पैराग्राफ टू में ले जाके पेस्ट कर दो। इनर एचटीएमएल के जरिए काम हम कर चुके हैं, लेकिन हम इसके जरिए भी कर सकते हैं। और डिलीट थिंग्स, आपने कहा ये एच वन है, इसको पूरी उड़ा दो, इस ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने जब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे तो उसमें हम ये देख चुके थे ना कि हम की ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर नहीं देखा था तो देख लीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में से की डिलीट, हम कहते हैं डिलीट का कीवर्ड और उसके बाद मैंने कहा स्टूडेंट डॉट नेम, तो वो नेम गायब हो जाता है। बाई मैनिपुलेटिंग चार्ट, कह रहे हैं कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं चार्ट को किसी भी अंदाज में जैसे हम चाहें। इफ़ यू वॉन्टेड टू यू कुड ऑलमोस्ट क्रिएट एंटायर वेब पेज फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग जावास्क्रिप्ट डॉम मेथड्स, कह रहे हैं कि आपका शुरू में जो वेब पेज है ना उस पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही खाली है, बॉडी सिर्फ बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट के जरिए पूरा वेब पेज तैयार कर सकते हैं। आपने कहा भाई एक H1 बनाओ, उसके अंदर ये टेक्स्ट लगा दो, उस पर ये स्टाइलिंग लगा दो, फिर आपने कहा एक पैराग्राफ बनाओ, इसमें ये टेक्स्ट डाल दो, ये स्टाइलिंग डाल दो। ठीक है, पूरा वेब पेज आप बना सकते हैं। कह रहे हैं ये, कह रहे हैं यू वुड नॉट, कह रहे हैं आप ऐसा चाहेंगे नहीं कभी, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, रिएक्ट पूरा इसी पे चल रहा है। रिएक्ट जो डायनेमिकली जनरेट करता है ना, वो असल में इंटरनली ये मेथड सारे इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, ये इन्होंने तो यू वुडंट लिखा है ना, ये रिएक्ट के आने से बहुत पहले की बुक है तो इसलिए इसने ये लिखा यू वुडंट, लेकिन उसके अंदर बाकायदा उन्होंने अपना डॉम भी तैयार किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल डॉम। इंशाल्लाह जब हम रिएक्ट में पहुंचेंगे तो वर्चुअल डॉम पढ़ेंगे कि क्या होता है। वो इससे भी फास्ट है, एक तो इसके मेथड यूज़ करते हैं ना तो थोड़े फास्ट होते हैं, वर्चुअल डॉम इससे भी फास्ट है। उन्होंने अपना ही बनाया हुआ है पूरा, वो पूरा स्नैपशॉट लेते हैं और पूरा स्नैपशॉट देते हैं, इस तरह करके कर रहे होते हैं। अच्छा, हेयर इज सिंपल वेब पेज आई हैव इंटेंडेड द डिफरेंट लेवल ऑफ इन हायरार्की, द टॉप लेवल ऑफ डॉम आर ऑलवेज द सेम फॉर अ स्टैंडर्ड वेब पेज। ठीक है, द डॉक्यूमेंट ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि भाई एक सिंपल जो वेब पेज होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। फर्स्ट लेवल जो है इसका क्या है, वो डॉक्यूमेंट। लेवल टू के ऊपर एक टैग है, सही है, डॉक्यूमेंट तो एक पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। अब उसके अंदर जो टैग स्टार्ट हुए हैं, सबसे पहले टैग है HTML, फिर उसके बाद टैग है उसके अंदर हेड, फिर टाइटल है और फिर सैम्पल है। सिंपल डॉक्यूमेंट के नाम से टाइटल में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं इस तरह करके ना, ये ट्री स्ट्रक्चर असल में समझाना चाह रहे हैं कि ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है। एक तना होता है टॉप लेवल, फर्स्ट होता है वो मेन तना होता है, उसमें से दो निकलते हैं तो वो फिर क्या होता है, वो सेकंड लेवल हो जाता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब वो लेवल की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, 200, 2000, 5000 भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक डिव के अंदर, उसके अंदर डिव, उसके अंदर डिव, इसकी कोई लिमिट तो नहीं है, 2000, 5000, 10000, जितने करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 5 तक इन्होंने बताया है, लेकिन इसकी आगे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इसी चीज़ को अब इन्होंने देखो ट्री बना के बताया, देख रहे हो, ये ट्री स्ट्रक्चर को बाकायदा ट्री की तरह ड्रॉ करके बताया। एक डॉक्यूमेंट है, उसमें HTML है, HTML में एक हेड है, एक बॉडी है, हेड के अंदर टाइटल है और बॉडी के अंदर पैराग्राफ है। अब बॉडी में एक पैराग्राफ है ना, अभी दो भी हो सकते थे, पांच भी हो सकते थे, उन पैराग्राफ के अंदर इमेजेस भी हो सकती थी, उन पैराग्राफ के अंदर स्पैन, लिस्ट, बहुत कुछ हो सकता था। तो वो ट्री बनती चली जाएगी पूरी, जितना भी बनाना चाहो, उसकी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की। ठीक है भाई, अब इसने क्या किया, इसने कहा भाई अब बॉडी में ना एक डिव है और उस डिव के अंदर दो पैराग्राफ है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। सर, ये जो डॉम में वो जो है ऑब्जेक्ट का है, ये ऑब्जेक्ट मतलब एलिमेंट्स की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। देखो HTML जो है, मैंने ये बात बताई थी कि HTML जो है डायरेक्ट समझ में नहीं आता ब्राउजर में, तो जैसे ही HTML मिलता है ना, तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि उसको क्या कन्वर्ट कर लेता है, ऑब्जेक्ट में। तो ये ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट हैं, जो एरे के अलावा, और एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना हमने, ये वो ऑब्जेक्ट है, उसमें कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये वो ऑब्जेक्ट है,
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या चीज़? सॉरी, जावास्क्रिप्ट में हर चीज़, जैसे आपने कहा ना HTML में हर चीज़ बॉक्स की तरह होती है, हाँ, तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ ऑब्जेक्ट की तरह, हाँ, सही है, सही है, बिल्कुल। हर चीज़ मतलब सर, एक हर चीज़ मतलब एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है इंटरनली, और सर डिक्लेयर किया समझो मैंने ए में कोई इनिशियलाइज किया तो वो भी ऑब्जेक्ट की तरह होगा, हाँ, इंटरनली वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको डील कर रहा होता है। लेकिन असल में ये ना बहुत एडवांस टॉपिक जो तुम डिस्कस कर रहे हो ना, ये अभी अगर मैं बताऊंगा ना तो सब कंफ्यूज हो जाओगे, अभी ये टॉपिक ना इसको छोड़ दो, अभी साइड पर कर दो, ठीक है। लेकिन बात ये सही है, वैलिड है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि एरे जो है ना, मैं एरे बनाऊंगा तो मेरे कोड में एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? एरे तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट है असल में अंदर से। फॉर लूप जो है वो कंस्ट्रक्ट है, फॉर लूप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो वरना कन्फ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है भाई। अच्छा, मेरा टाइम तो ओवर हो गया, थोड़ा सा हम 5 मिनट में ख़त्म करते हैं क्लास। कह रहे इन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ पर्सन। कह रहे कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है? एक बॉस होता है टॉप लेवल का, MD या CEO। एक CEO के अंडर में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिसाल के तौर पर। अच्छा, ये हर कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं कि सबकी सेम हो, ठीक है। कुछ कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होते ही नहीं है, कुछ कंपनी में डायरेक्ट CEO होता है और नीचे डायरेक्ट एम्प्लॉयज होते हैं। छोटी कंपनीज में 10-12 लोग काम करते हैं अगर, तो उसमें कहाँ से मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें क्या होता है? उसमें एक CEO होता है, समटाइम 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, समटाइम पूरा बोर्ड होता है, सही है, पूरा बोर्ड होता है, उस बोर्ड के सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उनमें से किसी 1-2 को CEO बनाया होता है, बाकी सारे साइलेंट होते हैं, ज़्यादा आते नहीं आते। उसके नीचे क्या होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, सही है। एक CEO है, जैसे मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट का एक CEO है, एक है वो, ठीक है, 2 भी होते हैं समटाइम। तो उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, MDs होंगे, ठीक है, या टेक्निकल डायरेक्टर, जो भी अलग अलग नाम कुछ भी रख देते हैं कंपनी में, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है हर किसी की। तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का, माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का एक होगा, सही है। अच्छा, उसको माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं प्रोडक्ट डायरेक्टर, प्रोडक्ट डायरेक्टर कहते हैं गालबन, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कहते, वो पूरी प्रोडक्ट को संभाल रहा होता है, वो प्रोडक्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब उसका डिसीजन है। अच्छा, फिर एक होगा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज़ का प्रोडक्ट मैनेजर, सही है, CEO तो एक है लेकिन उसके अंदर कितने सारे लोग हैं नीचे। अच्छा, फिर विंडोज़ के अंदर जो विंडोज़ का एक प्रोडक्ट मैनेजर है उसके नीचे कौन होगा? उसके नीचे विंडोज़ के जो अलग अलग पार्ट्स को जो लोग देखते हैं वो होगा। एक होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हेड, कि विंडोज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है बनने के बाद। एक होगा उसमें सिक्योरिटी हेड, कि विंडोज़ के अंदर सिक्योरिटी के सारे मामलात जो हैं वो उसको हैंडल करेगा। उसके नीचे एक डेवलपर टीम होगी जो सिक्योरिटी के मामलात को देखती होगी कि एंटीवायरस बनाना है क्या करना है। एक होगी उसमें डिज़ाइन टीम, एक डिज़ाइन टीम होगी ना कि यार नई जो विंडोज़ आएगी उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ग्राफिकल भी और यूज़र परस्पेक्टिव से भी, यूज़र एक्सपीरियंस के परस्पेक्टिव से भी डिज़ाइन उसका कैसा होगा, एक ये होगी टीम। और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। एक आपकी कंपैटिबिलिटी की टीम होती है जो टेस्ट करती है मुख्तलिफ डिवाइसेस पे उसको, ठीक है, टेस्टिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, 1000 चल। फिर अब जाहिर है डिज़ाइन टीम के अंदर जो है नीचे, और उसमें फ़ोटोशॉप वाले बंदे होंगे, इलस्ट्रेटर वाले बंदे होंगे, वीडियोग्राफर्स होंगे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होंगे, डिज़ाइन टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होंगे कि यार, क्योंकि जाहिर है आधी दुनिया यूज़ करती है भाई विंडो, उसमें ज़रा सा भी कलर अगर चेंज है ना और वो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट कर रहा है किसी को। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा टास्क बार जो है ना वो हर वक्त आ रहा होता है सामने, आपके मुँह के सामने आ रहा होता है, अगर टास्क बार में कोई ऐसा कलर है ना जिससे गुस्सा आता है बंदे को, ठीक है, तो क्या कहते हैं, जैसे ही वो विंडो अपडेट होगी ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सैलानी में वो विंडो पूरी अपडेट हो गई, अब वो कलर ऐसा है जिसको देख के साइकोलॉजिकली एक गुस्सा आता है बंदे को, हैं बहुत सारे कलर जैसे, तो बिना वजह सब एक दूसरे से लड़ रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या भाई ये तो साइकोलॉजिस्ट बड़े ज़रूरी होते हैं डिज़ाइन टीम में, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये हायरार्की बड़ी कंपनीज की बड़ी, तो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह करके ना अगर आप चार्ट बनाओगे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का, तो ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ पर्सन इन डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट
ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ नॉड. अब नॉड की बात आ गई यहाँ पर. नॉड मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में, हम नॉड को बहुत डिटेल में समझ चुके हैं. द एच टी एम एल पेज रिप्रेजेंटेड अबव इन इट्स क्लीन्ड अप डॉम हैज 11 नॉड्स. कह रहा है इसमें 11 नॉड है. अब देखो नॉड जब इसने बताया है ना, तो उसमें इसने ख्याल क्या रखा है, देखो पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट है ना उसको अलग नॉड दिखा रहा है, देख रहे हो. इसने ये इस चीज़ का ख्याल रखा है कि पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो तो अलग नॉड होता है ना, देखो टाइटल के अंदर टेक्स्ट है वो अलग नॉड है. द डॉक्यूमेंट नॉड द एच टी एम एल नॉड, देखो डॉक्यूमेंट नॉड एच टी एम एल नॉड, द हेड एंड बॉडी नॉड्स, द टाइटल नॉड, द डिव नॉड, टू पैराग्राफ नॉड एंड थ्री टेक्स्ट नॉड्स. देखो एक टेक्स्ट नॉड, दो टेक्स्ट नॉड, थ्री टेक्स्ट नॉड है, वन फॉर टाइटल एंड वन फॉर. इन दिस पर्टिकुलर चार्ट देयर आर थ्री टाइप ऑफ नॉड्स. अब नॉड्स की ना टाइप होती है, जैसे जो तुम्हारा सवाल था ना कि यार स्टाइलिंग जो है वो पैराग्राफ पे लग रही है, पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट पे क्यों नहीं लग रही. तो अब ये तीन टाइप बता रहा है कोई कि नॉड क्या है. नंबर एक डॉक्यूमेंट, नंबर दो एलिमेंट एंड नंबर तीन टेक्स्ट. ये तीन टाइप है नॉड्स की. द डॉक्यूमेंट नॉड इज द टॉप लेवल. एलिमेंट नॉड आर ये सारे एलिमेंट नॉड है, ठीक है, पैराग्राफ भी उसमें शामिल है. द टेक्स्ट नॉड आर द स्ट्रिंग दैट कॉम्प्राइज द टाइटल एंड पैराग्राफ. कह रहा तीन टाइप्स होती हैं ये. अच्छा ये यहाँ पे ना ख़त्म हो गया चैप्टर ये. अच्छा आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं. हमने डॉम का अच्छा इंट्रोडक्शन आज किया, ठीक है. अब ये इंट्रोडक्शन हुआ है, थ्योरी हुई है, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, बहुत सारे जहन में जो सवाल थे वो हमने क्लियर किए हैं. प्रैक्टिकल अभी तक हमने डॉम का उस तरह से नहीं किया. इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस डॉम के चैप्टर को और आगे बढ़ाएं और क्या कहते हैं कुछ चीज़ें हम करके देखें प्रैक्टिकली, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएं. ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर